आज इस विशेष सभा में उपस्थित कोटा नगर के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं कि आप यहां उपस्थित हैं और मुझे भारतीय संस्कृति सभ्यता तथा यूरोप की संस्कृति और सभ्यता के विश्लेषण का आपके बीच में प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है। मैं इस आयोजन में सम्मिलित सभी संस्थाओं का बहुत आभारी हूं। रोटरी परिवार की सभी संस्थाओं का आभार व्यक्त करता हूं, लॉयंस परिवार की सभी संस्थाओं का आभार व्यक्त करता हूं, कोटा जूनियर चैम्बर परिवार की सभी संस्थाओं का आभारी हूं, भारत विकास परिषद की सभी संस्थाओं का आभारी हूं, जिनके संयुक्त प्रयासों से ये संभव हुआ है। मैं पहले भी कई बार कोटा आ चुका हूँ और आप में से कई नागरिकों ने मेरे व्याख्यान को सुना होगा। आज एक विशेष व्याख्यान के लिए आपके बीच में आया हूँ। भारत देश की आज़ादी को 60वां वर्ष शुरू हो गया है। हमारे देश में परंपरा और मान्यता के अनुसार षष्ठी पूर्ति हुआ करती है। जब किसी परिवार में किसी नागरिक की उम्र 60 वर्ष हो जाती है तो उसकी षष्ठी पूर्ति का कार्यक्रम होता है। मैं भी ऐसा ही मानता हूं कि अपने देश की आज़ादी की षष्ठी पूर्ति मनाई जाए, लेकिन ये एक विशेष तरीके से। वो विशेष तरीका क्या या विशेष बात क्या? हमारा देश जिस आज़ादी के 60वें साल में प्रवेश कर रहा है, उस आज़ादी के सबसे बड़ा कारण था हमारी गुलामी। उस गुलामी की कुछ मान्यताएं, उनका विश्लेषण हम करें इस आज़ादी के 60वें साल में, ऐसी दृष्टि से मैं आपसे कुछ संवाद करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि काफ़ी लंबे समय तक हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे। अंग्रेज़ों के पहले काफ़ी दिनों तक हम फ्रांसीसियों के, पुर्तगालियों के गुलाम रहे और उसके पूर्व कुछ समय तक भारत के कई इलाकों में मुगल साम्राज्य भी रहा। इस गुलामी के दौर ने हमें हमारी संस्कृति और सभ्यता से काफ़ी कुछ दूर कर दिया। एक बहुत बड़े भारत के इतिहासकार हैं जिनका नाम है श्री धर्मपाल, संयोग से वो मेरे गुरु भी हैं। वो बार बार एक गहरी बात हम सभी को कहते हैं। वो ये कहते हैं कि जिस देश की आज़ादी चली जाती है उस देश का सब कुछ चला जाता है, जिस देश की स्वतंत्रता चली जाती है उस देश का सब कुछ चला जाता है। अगर हमारी आज़ादी चली गई तो हमारा बहुत कुछ चला गया, ये हमें दिखाई देता है, दस्तावेजों में पढ़ाई देता है। जिस देश की आज़ादी चली जाए उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा, उसकी मान्यता, उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसका जीवन जीने की शैली, उसका आचार विचार, ये सब चला जाता है। गुलामी का सबसे बड़ा अभिशाप होता है अपनी हर चीज़ से वंचित हो जाना। दुर्भाग्य से भारत दुनिया में अकेला ऐसा देश है जिसकी गुलामी बहुत लंबे समय तक चली है। अलग अलग समय पर अलग अलग देश गुलाम हुए, लेकिन उनकी गुलामी लंबी नहीं रही। कोई देश 50 वर्ष में आज़ाद हो गया, कोई 60-70 वर्ष में आज़ाद हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 100 वर्षों में आज़ाद हो गया, लेकिन भारत अकेला ऐसा देश है जिसको आज़ाद होने में सैकड़ों वर्ष लगे। अब गुलामी लंबी चली तो हमारी सभ्यता और संस्कृति से हमारा वंचन भी बहुत लंबा चला। भूल गए हम हमारी सभ्यता और संस्कृति को। और दुर्भाग्य दूसरा हमारा ये हुआ कि जिन देशों ने हमको गुलाम बनाया, जिन जातियों ने हमको गुलाम बनाया, उन जातियों की, उन देशों की बहुत सारी अपसंस्कृति और असभ्यता को हमने अपने जीवन में स्वीकार कर लिया। कई बार तो हम ये तय नहीं कर पाते हैं कि हम अपने जीवन में जो कर रहे हैं वो भारतीय है या अभारतीय है, भारतीय है या विदेशी है, वो करने लायक है या छोड़ने लायक है। कई बार हम ये तय नहीं कर पाते। कारण क्या है? हमारे मन में और हमारे मस्तिष्क में स्पष्टता बहुत कम हो गई है अपने बारे में, दूसरों के बारे में। इससे भी ज़्यादा दुर्भाग्य इस देश का ये रहा कि हमने बाहर की जो सभ्यता और संस्कृति है जिसने हमें लंबे समय तक गुलाम बनाया, विदेशी सभ्यता अगर हम उसको माने, तो उसकी बहुत सारी बातों को हमने मन और मस्तिष्क को बिना उपयोग में लाए हुए चुपचाप स्वीकार कर लिया। हमने कभी यूरोप की सभ्यता और संस्कृति से आने वाले जो तत्व थे, जो विचार थे, उनका कभी विश्लेषण नहीं किया। यूरोप से आए हुए जो शासक लोग थे उन्होंने अपने बारे में जो कुछ कह दिया,
हमने उसी को अंतिम सत्य मान लिया। जैसे सभी अंग्रेज हिंदुस्तान में आकर ये कहा करते थे कि भगवान ने हमको भारत पर साम्राज्य स्थापित करने के लिए ही पैदा किया है, तो हमने मान लिया कि शायद ऐसा ही होगा। कभी कभी वो कहा करते थे कि हमारी जो सभ्यता है, अंग्रेजी सभ्यता या अंग्रेजी संस्कृति, वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति से बहुत ऊंची है, हमने वो भी मान लिया। कई बार वो हमको कहा करते थे कि जो उनकी तकनीकी है और उनका जो विज्ञान है वो भी भारत की तुलना में बहुत ऊंचा है, हमने उसे भी मान लिया। कई बार वो कहते थे कि हमारी जो मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, वो सभी वैज्ञानिक हैं, और भारत की जो मान्यताएं और परंपराएं हैं वो सब अंधविश्वास है, वो भी हमने मान लिया। और ये मानने के चक्कर में हम बहुत डूबते चले गए। मुझे एक पुरानी कहानी याद आती है जिसको इस समय मुझे कहने में बहुत अच्छा लगेगा। हमारे भारत देश में एक महान वैज्ञानिक हुए श्री जगदीश चंद्र बोस। आप जानते हैं कि सारी दुनिया ने उनकी विद्वता को माना और उनको दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबल पुरस्कार मिला। श्री जगदीश चंद्र बोस ने अपनी जो कुछ भी किया जीवन में उसके बारे में समय समय पर बहुत कुछ लिखा। उन्होंने लेख लिखे, व्याख्यान दिए। उनके बहुत सारे लेख मैं मेरे विद्यार्थी जीवन में पढ़ता रहा, क्योंकि मैं भी विज्ञान और तकनीकी का विद्यार्थी रहा। प्रोफेसर बोस का एक लेख जो बाद में उनकी आत्मकथा जैसा बन गया, बहुत चर्चित है पूरी दुनिया में। उसके शुरू के दो तीन वाक्य मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले वैज्ञानिक वो थे जिन्होंने ये सिद्ध किया कि पौधों में जान होती है, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, उनको भी सुख दुख का अनुभव होता है, उनको भी प्रेम दया और करुणा का अनुभव होता है, जैसे मनुष्य को होता है वैसे ही पौधों को होता है। ये सत्यापित करने वाले, सिद्ध करने वाले वो पहले वैज्ञानिक बने। भारत में यूं तो हजारों साल से ये कहा जाता रहा है कि पौधों का जो जीवन है वो मनुष्यों के जैसा ही है। जैसे हम किसी बच्चे को बड़ा करते हैं वैसे ही कोई वृक्ष भी बड़ा होता है। जिस तरह से बच्चा सुख दुख प्रेम करुणा दया का अनुभव करता है वैसे ही वृक्ष करता है। ये हमारे देश में हजारों वर्ष पहले एक बड़ा शास्त्र लिखा गया, वृक्ष आयुर्वेद, उसमें कहा गया। वृक्ष आयुर्वेद में जिन्होंने ये कहा वो एक बड़े महान ऋषि थे, उनका नाम था भरद्वाज। भरद्वाज ऋषि का नाम हम सब जानते हैं। उन्होंने सबसे पहले ये कहा भारत में कि पेड़ पौधों का जीवन वैसा ही होता है जैसे मनुष्यों का होता है। और ऋषि भारद्वाज का जो समय है वो आज से लगभग 3.5 से 4 हजार साल पहले का है। तो ये जो महान ऋषि पहले बोल गए उसको श्री जगदीश चंद्र बोस ने आधुनिक विज्ञान के सिद्धांत और तर्कों पर सिद्ध कर दिया, और इसीलिए उनको नोबल पुरस्कार मिला। उन्होंने जो लेख लिखा है उसके कुछ वाक्य हैं जो आप कभी मत भूलना। वो ये कहते हैं कि जब मैं ये प्रयोग कर रहा था कि पौधों में जान होती है, पौधे सांस लेते हैं, उनको दया प्रेम करुणा का अनुभव होता है, तो मैंने एक प्रयोग किया, और वो प्रयोग ये था कि उन्होंने अपने घर में कुछ पौधे लगाए और उनके दो हिस्से कर दिए, एक हिस्से में कुछ पौधे, दूसरे हिस्से में कुछ पौधे। प्रोफेसर बोस लिखते हैं कि मैं रोज सवेरे उठता था और एक हिस्से के पौधों के सामने जाके भरपूर गालियां देता था। गालियां कैसी देता था? तुम निकम्मे हो, तुम नकारा हो, तुम नालायक हो, तुमसे कुछ हो नहीं सकता, तुम बहुत कुरूप हो, तुम्हारी त्वचा का रंग खराब है, तुम में कोई गुण नहीं है, दुर्गुण ही दुर्गुण भरे हुए हैं। सारी गालियां उनको वो देते थे। थोड़ी देर के बाद वो दूसरे हिस्से के पौधों के पास आते थे और उनको कहते थे कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे गुण बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा रंग बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छे दिखते हो, तुम्हारे इतने सारे गुणों का मैं मेरे जीवन में कोशिश कर रहा हूँ आचरण करने का। तो दूसरे हिस्से के पौधों के सामने वो कुछ अच्छी अच्छी बातें करते थे। परिणाम क्या हुआ? खुद प्रोफेसर बोस कहते हैं कि थोड़े दिन के बाद उन्होंने देखना शुरू किया कि जिन पौधों को वो गालियां देते थे वो मुरझाते चले गए, खत्म होते चले गए, और थोड़े दिन के बाद पूरे सूख गए। और जिन पौधों को उन्होंने बखान किया था उनके गुणों का, सद्गुणों का, और अच्छा बोला था, वो पौधे हरे भरे रहे और बहुत तेजी से उनका विकास हुआ।
प्रोफेसर बोस ने यह समझाया कि अगर पौधों के सामने हम उनके अवगुणों की चर्चा करें और हर समय उनको निकम्मा, नालायक और बेकार सिद्ध करें तो वो भी मुरझा जाते हैं। मैंने प्रोफेसर बोस की इस बात को आज के व्याख्यान का आधार बनाया है। अंग्रेजों ने 200-250 साल हमारे साथ यही किया, तुम नालायक हो, निकम्मे हो, नकारा हो, तुम्हारी त्वचा काली है, तुम्हारे गुण खराब हैं, तुमको सभ्यता नहीं आती, तुमको संस्कृति नहीं आती, हम गोरे हैं, बहुत अच्छे हैं, सभ्यता हमारे पास है, संस्कृति हमारे पास है, सद्गुण हमारे पास हैं, हम भगवान के दूत हैं, भगवान ने सीधे हमको भारत पर राज्य स्थापित करने के लिए भेजा है, ये वो हमको 250 साल कहते रहे। जो प्रोफेसर बोस के पौधे कुछ महीने ही गालियां सुनने के बाद मुरझा गए, तो भारतवासी तो 250 साल ये गालियां सुनते रहे, उनका क्या हुआ होगा, जरा कल्पना करिए क्या हुआ होगा। वो तो बिल्कुल आत्महीनता की स्थिति में आ गए, उन्होंने तो ये मानना ही बंद कर दिया कि हमारे देश में कुछ अच्छा भी है, हमारी सभ्यता में, संस्कृति में कुछ बेहतर भी है, हमारे पास कुछ सद्गुण भी हैं, ये मानना ही हमने बंद कर दिया। और ये गिरावट और आत्महीनता इतनी 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 नीचे गिर गई कि हमारे देश का जो शासक वर्ग है उसके अंदर कूट कूट कर भर गई। और समय समय पर हमारे देश के शासक वर्ग ने बार बार हमको ये याद दिलाया कि देखो अंग्रेज बहुत अच्छे थे जो हमको शिक्षा दे गए, अंग्रेज बहुत अच्छे थे जो हमको टेक्नोलॉजी दे गए, अंग्रेज बहुत अच्छे थे जो हमको विज्ञान सिखा गए, अंग्रेज बहुत अच्छे थे जो हमको सभ्यता सिखा गए। और ये शासक वर्ग हमारा पिछले 59 साल से यही गा रहा है। अब वो ये कहते हैं कि चूंकि अंग्रेज बहुत अच्छे थे, सभ्यता अच्छी थी, संस्कृति अच्छी थी, तो उनके यहां से जो कुछ भी आएगा वो सब अच्छा होगा। तो हमने क्या किया, आजादी के बाद अंग्रेजी न्याय पद्धति को अपना बना लिया, आज़ादी के बाद अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को अपना बना लिया, आज़ादी के बाद अंग्रेजी विज्ञान और तकनीकी को अपना बना लिया, आज़ादी के बाद अंग्रेजी मान्यताओं को अपना बना लिया, आज़ादी के बाद अंग्रेजी भाषा को अपनी मातृभाषा जैसा बना लिया, आज़ादी के बाद अंग्रेजों का खान पान हमने अपना लिया, आज़ादी के बाद उनका पहनावा, उनकी भूषा हमने ओढ़ ली, आज़ादी के बाद ऐसी कोई चीज़ बची नहीं हमारे पास जिसको हम कहें कि ये अपना है। अब मुश्किल क्या हुई कि हमने ये बिना सोचे समझे हमारे शासक वर्ग के कहने पर अपना तो लिया, लेकिन अंदर से जो हमारा दिल है, जो हमारी आत्मा है, उसकी जड़ें कहीं थोड़ी बहुत भारतीय संस्कार में डूबी हुई हैं, तो हमारी खिचड़ी बन गई। और उस खिचड़ी में रोज रोज जीवन में मैं देखता हूं, ना तो हम भारतीय रह पाए, ना पूरी तरह से अंग्रेज बन पाए। बहुत अच्छा होता कि हम सब पूरी तरह से अंग्रेज बन जाते तो शायद इस देश का कुछ भला तो हो ही जाता, या बहुत अच्छा होता हम पूरी तरह से भारतीय हो जाते तो और भी भला होता। अब हम ना अंग्रेज हैं ना भारतीय हैं, हमारी खिचड़ी हो गई है, हमारा कचूमर बन गया है, हमारा सलाद बन गया है, या मिक्स्ड वेजिटेबल हो गया है, या मिक्स्ड फ्रूट हो गया है, जो कुछ आप कहें, ये हमारे जीवन में आया। मैंने पिछले कुछ 10-12 साल लगाए अपने जीवन के इन बातों को खोजने के लिए कि आखिर अंग्रेजों ने ये जो कहा अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में, इसका सत्य पता करो। मेरे जो गुरु हैं श्री धर्मपाल जी, उन्होंने बहुत मुझे प्रेरित किया। वो मुझे हमेशा ये कहते हैं कि देखो, सामने वाला आकर कुछ कह जाए तो ऐसे ही स्वीकार नहीं करना, उसका पूरी तरह से जांच परख करना। एक शब्द होता है क्रॉस वेरिफिकेशन करना, सब तरफ से जांच परख करना, जब तुम्हें वो सत्य हर जगह दिखाई दे तब स्वीकार करना कि वो अच्छा है। तो मैंने धर्मपाल जी को कहा कि अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने और मुगलों ने आकर भारत में अपनी सभ्यता और संस्कृति की जितनी बखान की है और हमारे इतिहास की किताबों में जितने उस पर पन्ने लिखे गए हैं, उन पन्नों को साथ में रख लिया जाए और अंग्रेजों के सभ्यता और संस्कृति को जानने वाले उनके जो महान दार्शनिक हैं, उन्होंने अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या लिखा है, वो भी रख लिया जाए और देखा जाए कि कहाँ उसमें सत्यता है और कितना उसमें फरेब है या झूठ है। जब मैंने ये करना शुरू किया तो धीरे 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 मुझे हजारों दस्तावेज मिल गए जो अंग्रेजों के लिखे हुए,
उनके महान दार्शनिकों के लिखे हुए, यूरोप के महान लोगों के लिखे हुए हैं। मैं आज का जो व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ये मेरे 15 साल के रिसर्च का निचोड़ है, 15 साल के शोध का निचोड़। पिछले 15 साल मैंने यूरोप के उन सभी फिलोसोफर्स को पढ़ा है जो बहुत ऊंचे माने जाते हैं, जैसे प्लेटो, अरिस्टोटल, लेबिनिज, देकार्ते, ये सब बहुत ऊंचे दार्शनिक माने जाते हैं। और प्लेटो के बारे में तो यूरोप में जो कहा जाता है ना, एक वाक्य में मैं आपको समझाता हूं, यूरोप के सारे देश एक साथ प्लेटो के बारे में एक बात कहते हैं, द होल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन इज ए फुट नोट ऑफ प्लेटो, द होल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन इज ए फुट नोट ऑफ प्लेटो। माने यूरोप की पूरी सभ्यता प्लेटो की बड़ी बड़ी पुस्तकों के लिखे गए फुट नोट के बराबर है, अर्थात प्लेटो यूरोप की सभ्यता में सबसे ऊंचा है। जैसे हम हमारे भारत की सभ्यता में किसी को बहुत ऊंचा माने, उदाहरण के लिए वाल्मीकि, गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि कालिदास आदि आदि, ऐसे बहुत सारे नाम हम ले सकते हैं, हम मानते हैं कि हमारी सभ्यता में ये सब बहुत ऊंचे हैं, लेकिन यूरोप मानता है कि प्लेटो उनकी सभ्यता में सबसे ऊंचा है। प्लेटो ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उनमें से दो किताबें सारी दुनिया में चर्चित हैं, एक किताब का नाम है द रिपब्लिक और दूसरी किताब का नाम है लॉज, LAWS, लॉज। लॉज का सीधा सा मतलब होता है कानून। लॉज उसकी सबसे चर्चित किताब है पूरी दुनिया में, और उसके बाद दूसरा नंबर आता है द रिपब्लिक का। इन दोनों किताबों को मैंने बार बार पढ़ा है ये समझने के लिए कि द होल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन इज ए फुट नोट ऑफ प्लेटो, तो प्लेटो के फुट नोट तो उसी के लिखी हुई किताबों में मिलेंगे, तो क्या फुट नोट है जरा निकाल लो उनको और उनको विश्लेषित करके देखो कि उनकी सभ्यता कहाँ खड़ी है, फिर अपने साथ उसका अंतर ढूंढने की कोशिश करो कि हम अपनी सभ्यता में कहाँ खड़े हैं। इस दृष्टि से मैंने उसको बहुत अभ्यास किया। प्लेटो की लिखी हुई कुछ ओरिजिनल राइटिंग्स आज भी यूरोप के कुछ अलग अलग लाइब्रेरीज में रखी हुई हैं, पुस्तकालयों में रखी हुई हैं, वो भी इकट्ठा किया। प्लेटो का एक बहुत परम शिष्य था अरस्तु, जिसको हम सब अरिस्टोटल कहते हैं। अरिस्टोटल ने यूरोपियन सभ्यता और संस्कृति पर जो कुछ लिखा है वो इकट्ठा किया, वो भी पढ़ा। फिर जो आधुनिक यूरोपियन फिलोसोफर्स माने जाते हैं, रूसो, आज का सबसे बड़ा फिलोसोफर यूरोप में है रूसो, रूसो को बार बार पढ़ा, लेबिनिज को पढ़ा, देकार्ते को पढ़ा, और उनके बीसियों फिलोसोफर्स जिनकी लिस्ट है उनके बारे में पढ़ा, उनकी लिखी हुई किताबों में से कुछ नोट्स निकाले, उनके द्वारा लिखे गए जो मूल दस्तावेज हैं उनको देखा, उनको पढ़ा, फिर यूरोप के इतिहासकारों को भी पढ़ा। एक सबसे बड़ा यूरोपियन इतिहासकार है आर्नोल्ड टॉइनबी, उसने यूरोप के इतिहास पर सबसे ज़्यादा लिखा है, उसके दस्तावेज इकट्ठे किए। फिर एक जेम्स मिल हुआ है, दूसरा बड़ा यूरोपियन इतिहासकार, उसके दस्तावेज इकट्ठे किए, उनको भी देखा पढ़ा। कुल मिलाकर लगभग 50,000 दस्तावेज जब मैंने देखे, पढ़े, सुना, सीखा, समझा लगभग 15 साल में, तब मुझे समझ में आया कि ये यूरोपीय सभ्यता क्या है, इनकी संस्कृति क्या है। मैं आपको मेरे अनुभव से एक छोटी सी बात बताता हूँ, किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति को अगर समझना हो ठीक से तो उनकी प्राइवेट लाइफ को देखना चाहिए, उनका निजी जीवन देखना चाहिए। निजी जीवन से मतलब उनका परिवार कैसा है, परिवार में बच्चों की क्या स्थिति है, पत्नी पति के बीच रिश्ते कैसे हैं, भाई बहन के बीच रिश्ते कैसे हैं, परिवारों के जो रिश्तेदार हैं उनके आपस के संबंध क्या हैं, परिवारों में संपत्ति है तो उसका बंटवारा कैसा होता है, अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि यूरोप के सभी फिलोसोफर्स और हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति और समाज की जो निजी जिंदगी होती है उसी में से सार्वजनिक जिंदगी शुरू होती है। जो व्यक्ति अपनी प्राइवेट लाइफ में होता है ना, वही पब्लिक में होता है। अपनी निजी जिंदगी में वो जिस तरह का व्यवहार करेगा, अपनी सार्वजनिक जिंदगी में उसी तरह का लोकाचार बनेगा। जैसे आपको सुनकर बहुत हंसी आएगी, लेकिन ये गंभीर बात पूरे यूरोप में कही जाती है कि यूरोप में ये जो डेमोक्रेसी है ना, प्रजातंत्र, ये 14वीं शताब्दी में आया है।
उसके पहले यूरोप में डेमोक्रेसी नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है। प्रजातंत्र उनके यहाँ लगभग 600 साल पहले आया। ये जो डेमोक्रेसी है इसको जब लाया गया तो इसके बारे में सबसे ज़्यादा किताबें लिखी गई हैं यूरोप में, और वो ये बताती हैं कि डेमोक्रेसी निकला कहाँ से। तो वो कहते हैं डाइनिंग टेबल से। और यहां पर अगर कोई पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होगा तो उसको ये पढ़ाया जाता है भारत में। इस पर सवाल पूछे जाते हैं, 100 नंबर का प्रश्न पत्र आता है, उसमें 20 नंबर का सवाल होता है कि यूरोप का प्रजातंत्र कहां से निकला, विस्तार से वर्णन करिए, 20 नंबर का सवाल है बीए और एमए। तो उसका उत्तर यह है कि यूरोप का प्रजातंत्र डाइनिंग टेबल से निकला, खाने की मेज से प्रजातंत्र की शुरुआत हुई है। ये सारे फिलोसोफर्स और हिस्टोरियंस इसको मानते हैं। अब खाने की मेज तो निजी जीवन का हिस्सा है, प्राइवेट लाइफ का हिस्सा है, लेकिन डेमोक्रेसी पब्लिक लाइफ का हिस्सा है। तो निजी जीवन में जो आप डाइनिंग टेबल पर करते हैं वो सार्वजनिक जीवन में करने लगे तो उसी को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं। दुर्भाग्य से हमने इसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बिना सोचे समझे स्वीकार किया। गांधी जी इसके बहुत खिलाफ थे, लेकिन गांधी जी को मानने वालों ने गांधी जी की बात मानी नहीं। गांधी जी कहते थे कि अंग्रेजों को विदा किया है तो इनकी अंग्रेजियत को भी विदा कर दो साथ में, इस अंग्रेजियत से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। हमने अंग्रेजों को विदा कर दिया लेकिन उनकी अंग्रेजियत को संभाल के रख लिया, और उसमें सबसे बड़ी अंग्रेजियत है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय लोकतंत्र, जो यूरोप में निकला है डाइनिंग टेबल से। ये एक छोटी सी बात है कि डाइनिंग टेबल से डेमोक्रेसी निकली है। इसको समझने में मुझे 2-3 साल लगे और अब बिल्कुल साफ चित्र मुझे दिखाई देता है। मेरे व्याख्यान के बीच में ये आएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये संसदीय लोकतंत्र बना कैसे है और आगे बढ़ा कैसे है। मैं शुरू करता हूँ यूरोप के निजी जीवन से, जिसको आप एक बार झांक लें तो उनका सार्वजनिक जीवन आपको समझ में आए। यूरोप के निजी जीवन में शुरू करूं उसके पहले यूरोप की थोड़ा भौगोलिक परिस्थिति के बारे में 2 मिनट आपको बता दूं। वैसे तो आप में से कई लोगों ने यूरोप का प्रवास किया होगा, उसकी भौगोलिक परिस्थिति का अंदाज़ा आपको होगा, लेकिन एक बार आपको फिर से याद आ जाए इस दृष्टि से 2-3 मिनट में कुछ कहता हूँ। यूरोप दुनिया का एक ऐसा खंड है जहाँ साल में 9 महीने सूर्य नहीं निकलता, ये उनकी भौगोलिक स्थिति है। साल में 365 दिन होते हैं और लगभग 300 दिन उनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता। यूरोप दुनिया का एक ऐसा खंड है जहां पर न्यूनतम तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, न्यूनतम तापमान, और अधिकतम तापमान +20, 22, 23 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है, तापमान का जो अंतर है, ऋणात्मक 40 से धनात्मक 20 तक, माने 60 डिग्री का अंतर है। इसकी जरा कल्पना करें, इसका मतलब क्या है? अगर ऋणात्मक 40 डिग्री तापमान होगा तो वहां वातावरण में बर्फ ही बर्फ गिरेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जब 4 डिग्री के नीचे तापमान जाना शुरू होता है तो पानी बर्फ बनना शुरू होता है। झीलों में, नदियों में, तालाबों में, सब जगह पानी बर्फ हो जाता है। कभी कभी आपने सुना होगा चुरू का तापमान 0 डिग्री आ जाता है राजस्थान में, तो आसपास की सब नदियां जम जाती हैं, बर्फ ही बर्फ। अगर 0 डिग्री तापमान में चुरू और आसपास के तालाबों में बर्फ जम जाती है तो ऋणात्मक 40 डिग्री में यूरोप में क्या होता होगा, कल्पना करो। पानी की एक बूंद भी कहीं नहीं होती है, सारा पानी बर्फ के रूप में जमा रहता है, नलों में भी पानी नहीं आता है, पानी की जगह बर्फ ही बर्फ रहती है, सड़कों पर बर्फ गिरती है, मैदानों में बर्फ गिरती है, और बर्फ ऐसे गिरती है जैसे हमारे यहाँ रिमझिम बारिश होती है, ऐसे ही बर्फ गिरती है। रात रात भर बर्फ गिरती है, दिन दिन भर बर्फ गिरती है, कभी कभी 10 दिन लगातार बर्फ गिरती है, 15 दिन लगातार बर्फ गिरती है। बर्फ गिरते गिरते 10 फीट ऊंची हो जाती है, तो वहां की सरकारों के पास एक ही सबसे बड़ा काम है कि बड़े बड़े बुलडोजर लाना और उस बर्फ को तोड़कर सड़कों को साफ कराना, यह उनका सबसे बड़ा काम। यूरोप में जो परिवार होते हैं उनमें जो घर बनाए जाते हैं, सामान्य रूप से सभी घरों में 2 दरवाजे लगाए जाते हैं,
एक दरवाजा तो सड़क पे खुलता है, दूसरा छत पे खुलता है। ये छत वाला दरवाजा तब इस्तेमाल किया जाता है जब सड़क पर 10 फीट बर्फ जम जाती है, तो छत की ऊंचाई के बराबर बर्फ आ जाती है, तो छत से कूद के सड़क पे जाते हैं और चलते हुए अपने काम पे चले जाते हैं। कई बार यूरोप में ये नजारा होता है कि बर्फ के नीचे गाड़ियां दब जाती हैं, बर्फ के नीचे सब कुछ दब जाता है, मैदानों में, खेतों में, खलियानों में, हर जगह बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। जब इतनी बर्फ उनके यहां 9 महीने रहती है तो कुछ असर तो करेगी। आप जानते हैं बर्फ ठंडी होती है, आदमी को भी ठंडा बना देती है। बर्फ कठोर होती है, आदमी को भी कठोर बना देती है। बर्फ में दया प्रेम करुणा नहीं होता, आदमी भी दया प्रेम करुणा से रहित हो जाता है, क्योंकि बर्फ का जो गुण धर्म है वो आप में आना स्वाभाविक है, क्योंकि आप साल के हर 9 महीने उस बर्फ के साथ रहते हैं। और ये आज से नहीं है, यूरोप में हजारों साल से चल रहा है। अब हजारों साल से बर्फ के बीच में रहते हुए लोग वैसे ही हो गए जैसी बर्फ है। आगे अगर आप कल्पना करें कि साल के 9 महीने खेत खलियानों में बर्फ जमी हुई है तो वहां घास का तिनका भी नहीं उग सकता, क्योंकि घास को भी उगने के लिए सूर्य के रोशनी की और गर्मी की जरूरत होती है। सूर्य की गर्मी ना मिले तो बीज भी अंकुरण नहीं होता, कितना भी अच्छे से अच्छा बीज डालो। और आप जरा दूसरी कल्पना करें कि जब बर्फ सैकड़ों सैकड़ों साल से, हजारों साल से जमती आ रही है तो मिट्टी कैसी होगी? पत्थर जैसी, क्योंकि जैसी बर्फ होगी कठोर कड़क वैसी मिट्टी होगी, तो मिट्टी वहां की एकदम कठोर है, पत्थर जैसी। और जिस देशों में, जिन देशों में साल में 9 महीने सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, उन देशों में प्रकृति की वाष्पीकरण की क्रिया नहीं होती। आप जानते हैं सूर्य हमारे जीवन का केंद्र है, और वो जीवन का केंद्र सरल भाषा में ऐसा कि सूर्य का प्रकाश जब जमीन पर गिरता है तो जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा जो महासागर है, पानी से डूबा हुआ है, उस पर सूर्य के प्रकाश की किरणें पानी को वाष्पीकरण में मदद करती हैं, और यही पानी वाष्पीकृत होकर ऊपर आसमान में जब जाता है तो संघनित होकर बादल में बदल जाता है, और ये बादल के आसपास जब कम दबाव का क्षेत्र बनता है तो वही पानी बूंद के रूप में टपक जाता है। आप जानते हैं बारिश तो साल में 3 महीने होती है, लेकिन इस 3 महीने की बारिश को करने के लिए 9 महीने की प्रक्रिया चलती है। बच्चे का जन्म तो एक ही दिन में, कुछ सेकंड में हो जाता है, लेकिन उसको गर्भ में बड़ा करने की प्रक्रिया पूरे 9 महीने चलती है। ऐसे ही प्रकृति है। तो अब 9 महीने की वाष्पीकरण की प्रक्रिया चलेगी तो बारिश होगी, बारिश होगी तो पीने का पानी हमको मिलेगा, पेड़ पौधों को मिलेगा, और अगर वाष्पीकरण की क्रिया ही नहीं होगी तो बारिश कहाँ से होगी? बारिश नहीं होगी तो ना आपको पीने को मिलेगा पानी, ना पेड़ पौधों को मिलेगा, और पेड़ पौधों को पानी नहीं मिलेगा तो उनकी बढ़त नहीं होगी। इसलिए यूरोप में खेती नहीं होती अच्छी, क्योंकि अच्छी खेती के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं, एक तो सूर्य का प्रकाश, दूसरा शुद्ध पानी, और तीसरी मिट्टी में नमी और मिट्टी की कोमलता। यूरोप में ये तीनों ही चीज नहीं है तो उनके यहां खेती कभी भी अच्छी नहीं होती, आज भी नहीं होती। और वहां के नागरिक जब खेत में हल चलाते हैं ना, वैसे तो अच्छी खेती है नहीं, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत 3 महीने खेती होती है तो हल चलाना पड़ता है, तो कल्पना करो कि मिट्टी एकदम पत्थर जैसी है, उसको तोड़ने के लिए बैलों की मदद से हल नहीं चल सकता, या जानवरों की मदद से हल नहीं चल सकता, इसलिए उनको झक मार के ट्रैक्टर बनाना पड़ा। और ट्रैक्टर भी पहले उन्होंने 2-4 हॉर्स पावर का बनाया, वो काम नहीं आया, 10 हॉर्स पावर का बनाया, वो भी काम नहीं आया। अब यूरोप में सामान्य रूप से 100-100 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर होते हैं। 100 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर वो चलाएं तब मिट्टी थोड़ी सी टूटती है, नहीं तो वो उलट पलट भी नहीं होती। तो कठोर मिट्टी है, शुद्ध पानी नहीं है,
मिट्टी में नमी नहीं है, मिट्टी कोमल नहीं है, मुलायम नहीं है, जमीन में 9 महीने बर्फ डली रहती है, अंकुरण बीज का होता नहीं है, पेड़ बड़े होते नहीं हैं, वृक्ष बनते नहीं हैं, इसलिए जंगल नहीं होते। और जहां कहीं थोड़े बहुत जंगल हो जाएं, जो बर्फ में पैदा होने वाले पौधे कुछ अगर हो भी जाएं, तो उन जंगलों की मिट्टी के नीचे कोई खनिज नहीं होता, क्योंकि खनिजों को बनने के लिए भी सूर्य का प्रकाश लगता है। आप जानते हैं जितने भी खनिज हैं जो जमीन की मिट्टी के नीचे से निकलते हैं, वो सब मिट्टी के ही रूप हैं। बहुत दिनों तक मिट्टी पड़ी 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 पत्थर में बदल जाती है, और बहुत दिन वो पत्थर पड़े 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 कोयले में बदल जाते हैं, वही पत्थर पड़े पड़े हीरे में बदल जाते हैं, उसी मिट्टी में से सोना निकल आता है, उसी में से कच्चा लोहा निकल आता है, उसी में से कुछ और निकलता है, कुछ और निकलता है, ये सब मिट्टी का खेल है। और मिट्टी का सीधा संबंध सूर्य के प्रकाश के साथ है। सारा विज्ञान ये कहता है कि जिस देश में सूर्य प्रकाश ज्यादा होगा, वहां की मिट्टी नरम होगी, कोमल होगी। मिट्टी नरम और कोमल होगी तो उसमें से अंकुरण जल्दी होगा, अंकुरण जल्दी होगा तो फसल अच्छी मिलेगी, उत्पादन अच्छा मिलेगा। और जिस देश में मिट्टी अच्छी है, वहाँ पेड़ पौधों में विविधता बहुत होगी, सूर्य का प्रकाश हर विविधता के पौधे को मिलेगा, तो अंग्रेजी में अगर कहूं तो बायोडाइवर्सिटी रिच होगी। तो हमारी जो भौगोलिक स्थिति है वो रिच बायोडाइवर्सिटी की है। दुनिया में जितने किस्म के पेड़ पौधे मिलते हैं, लगभग सभी हिंदुस्तान में सब। अगर आपको बर्फ वाले पेड़ पौधे देखने हो तो जम्मू कश्मीर चले जाइए, रेगिस्तानी पेड़ पौधे देखने हो तो जैसलमेर चले जाइए, समशीतोष्ण जलवायु के पेड़ पौधे देखने हो तो हाड़ौती में घूम आइए, और समशीतोष्ण जलवायु के पेड़ पौधे देखने हो मध्य प्रदेश चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, झारखंड चले जाइए, और बिल्कुल आपको पहाड़ी पेड़ पौधे देखने हो तो आप आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर चले जाइए। सब तरह के पेड़ पौधे यहाँ मिलेंगे, क्योंकि सब तरह की भौगोलिक परिस्थिति यहाँ है। जब मैं यूरोप का अध्ययन कर रहा था तो यूरोप के बारे में, और भारत का अध्ययन कर रहा था तो भारत के बारे में, एक बड़ा अंतर पता चला जो आप सब हमेशा याद रखिए। यूरोप में सिर्फ दो ही जलवायु होती हैं, दो ही मौसम हैं, एक ठंड और एक भयंकर ठंड, तीसरी कोई जलवायु नहीं है। एक तो ठंड होती है और एक भयंकर ठंड होती है। ठंड होती है माने जब तापमान 0 डिग्री के आसपास है, और भयंकर ठंड जब 0 के नीचे जाने लगता है, तीसरा कोई मौसम नहीं है। भारत में आप जानते हैं 16 तरह की जलवायु है और 16 तरह के मौसम है। अंग्रेजी में एक शब्द आजकल बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है, क्लाइमेट जोन्स। दुनिया में अभी तक गिने हुए कुल क्लाइमेट जोन्स 16 हैं, और भारत में सबके सब मौजूद है। संपूर्ण भारत का प्रवास कर लीजिए तो आपको 16 क्लाइमेट जोन्स दिखाई दे जाएंगे। अगर आपको स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे का क्लाइमेट जोन देखना हो तो आप चले जाइए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, आपको दिख जाएगा। अगर अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान का क्लाइमेट जोन देखना हो तो चले आइए राजस्थान, वो आपको दिख जाएगा। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वाला देखना हो, वो हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट में दिखाई दे जाएगा। अगर आपको मध्य पूर्व देशों का, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात का देखना हो तो वो इसी देश में आपको दिख जाएगा। माने 16 क्लाइमेट जोन देखने के लिए भारत के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सब यहाँ है। और थोड़ा ज्यादा माइक्रो लेवल पे देखेंगे तो सारे के सारे 16 क्लाइमेट जोन आपको राजस्थान में ही दिखाई दे जाए। सारी दुनिया में भारत की प्रशंसा हो रही है, उसमें एक बहुत बड़ा जो आधार है कि भारत में सभी तरह का मौसम है। और भारत में अगर हम देखें तो राजस्थान में सभी तरह का मौसम है। ठंड के दिनों में चुरू देख लो, गर्मी के दिनों में जैसलमेर देख लो, और कभी कभी तो कोटा भी दिखा देता है, 50 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। सहारा रेगिस्तान का तापमान यहाँ अनुभव आप कर सकते हैं। सबका सब मौसम यहाँ है, ये कोई भगवान की विशेष कृपा है।
वरना यूरोप के देश इसके लिए तरसते हैं। मैंने यूरोप में देखा कि 9 महीने तो सूर्य निकलता नहीं, जो गलती से किसी दिन सूर्य निकल आया तो वो सब पागल हो जाते हैं, और इतने पागल हो जाते हैं कि कपड़े उतार के फेंक देते हैं सब, और नंग धड़ंग खड़े हो जाते हैं सूरज की धूप लेने के लिए, और चिल्लाते हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, अच्छी सुबह अच्छी सुबह अच्छी सुबह, क्योंकि सूर्य दिख गया। भारत में तो एवरी मॉर्निंग इज गुड मॉर्निंग। आप बताइए कौन सा दिन है जो आपको सूर्य नहीं दिखाई देता। साल में 365 में 4-5 दिन ऐसे आएंगे जो शायद सूर्य दिखाई ना दे, लेकिन पूरे दिन वो भी नहीं, 2-4 घंटे नहीं दिखेगा तो फिर 1 घंटे दिख जाएगा, और 2-4 घंटे नहीं तो फिर 1 घंटे दिख जाएगा। एवरी मॉर्निंग इज गुड मॉर्निंग, तो हम एक दूसरे को गुड मॉर्निंग क्यों बोले? उनकी तो मजबूरी है कि उनको कोई अच्छी सुबह मिलती नहीं देखने को, तो वो एक दूसरे को विश करते हैं कि गुड मॉर्निंग। लेकिन हमें तो हर सुबह इतनी अच्छी है कि सूर्य की पहली किरण हमारे ही देश में पड़ती है। सारी दुनिया इस बात को जानती है कि सूर्य की पहली किरण भारत में ही पड़ती है, और ये भी है सूर्य की आखिरी किरण भी भारत में पड़ती है। तो जिस देश में सूर्य इतना मेहरबान हो और सूर्य के चारों तरफ सारे देवी देवताएं कृपावान हो, वो देश तो कोई विशेष ही होता है। इसलिए भारत देश में जन्म लेना बड़े पुण्य का काम माना जाता है, बड़े भाग का काम माना जाता है। हमारे यहां किसी महान व्यक्ति ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, आपके बड़े भाग्य है जो मनुष्य जीवन मिला, और उससे भी बड़ा भाग्य है कि भारत में जन्म मिला जहां देवता भी तरसते हैं जन्म लेने के लिए, तो मनुष्य के रूप में ही आना पड़ता है। शायद यही कारण होगा, साल के 365 दिन सूर्य, साल के 9 महीने प्रकृति चक्र का चलना, पानी का वाष्पीकरण होना, वाष्पीकरण का संघनन होना, संघनन से बारिश होना, समय से बारिश होना, हर मौसम समय से आना। हमें मालूम है कि ये महीने के बाद ये आ जाएगा, ये महीने के बाद ये आ जाएगा, इतनी हमारे जीवन में मौसम की निश्चिंतता है जो दुनिया के किसी देश में नहीं। अमेरिका और यूरोप के नागरिकों से बहुत बार संवाद करते हुए मुझे जो बार बार सुनने को मिला है वो पता है क्या है? वो कहते हैं यूरोप और अमेरिका में 3 W अनिश्चित हैं, जिन पर कभी भरोसा नहीं होता। एक तो है वेदर, कभी भरोसा नहीं क्योंकि निश्चित ही नहीं है। दूसरा है वाइफ, कुछ पक्का नहीं है, सवेरे आई है शाम को चली जाएगी, सवेरे शादी हुई है शाम को तलाक हो जाएगा। यूरोप में ऐसे बहुत नागरिकों को मैं जानता हूं जिनकी 25 शादियां हुई, 30 शादियां हुई, 35 शादियां हुई, फिर भी संतुष्ट नहीं, कहते एक आध और कर ले। वाइफ नहीं है माने पक्का नहीं है, सवेरे है शाम को रहेगी पक्का नहीं है। तो वेदर, वाइफ, और तीसरा है वेल्थ, धन संपत्ति का पक्का नहीं है। आज सवेरे आप करोड़पति थे, शाम को नैसडैक गिरा तो रोडपति हो जाएं, कंगाल हो जाएं, भिखारी हो जाएं। भारत में ये तीनों ही निश्चित हैं, वेदर भी निश्चित है, वाइफ भी निश्चित है, वेल्थ भी निश्चित है। वेदर तो इतना निश्चित है जिसकी कोई कल्पना नहीं है। हम आंख बंद करके छोटे बच्चों को ये कहते सुनते हैं, ये रे पाऊसा तुला दे तो पैसा, पैसा झाला खोटा पाऊसाला मोटा, ये मराठी की एक कविता है। बच्चे गाते हैं महाराष्ट्र में बारिश आओ जल्दी आओ, और वो उनको मालूम है किस महीने में गाना है, और ज्यादातर बच्चे गाते हैं उसके 2-3 दिन में बारिश आ जाती है, क्योंकि उनको समय का पूरा ध्यान है कि ये समय है अब बारिश आने वाली है गाओ। हमारे देश में मौसम की इतनी निश्चिंतता है कि मैं भारत में 3 लाख किलोमीटर का प्रवास कर चुका हूं पिछले 10-12 वर्षों में। छोटे छोटे गांव में ऐसे लोग मैंने देखे हैं, वो बादल की तरफ देखेंगे, राजीव भाई 10 घंटे में बारिश आएगी। मैं कहता हूं यार तुम्हारे पास कोई सैटेलाइट है क्या, ये कैसे तुमने बता दिया 10 घंटे में बारिश आएगी? वो कहते हैं जी सैटेलाइट क्या होता हमें नहीं मालूम, लेकिन ये बादल का रंग देख के हमें मालूम है कि 10 घंटे में आएगी कि 15 घंटे में आएगी या नहीं आएगी,
और हमारा करोड़ों करोड़ों रुपए का सैटेलाइट हर रोज फेल होता है, वो बोलता है कि आज कोटा में 24 घंटे मूसलाधार होगा, आज दिन में एक बूंद भी नहीं गिरी है। एक बूंद गिरी है कोटा में? आज के सवेरे के सब अखबार उठा के देख लो, फ्रंट पेज पे न्यूज है कि अगले 24 घंटे कोटा में मूसलाधार बारिश होगी, एक बूंद भी नहीं गिरी है। इसका माने सब सैटेलाइट फेल। एक एक सैटेलाइट 400-400 करोड़ का बनता है, वो फेल है। और यहां गांव में रहने वाला साधारण गरड़िया जो बकरी चराता है वो आसमान देख के बता देता है कि 10 घंटे में बारिश आएगी, 15 घंटे में आएगी। हमारे लोग इतने होशियार और अकलमंद हैं कि बकरी के लक्षण देख के बता देते हैं बारिश आने वाली है। एक बार मध्य प्रदेश में मैं गया एक छोटे से गांव में, आदिवासी हम कहते हैं उनको, आदिवासी तो हम सभी हैं, वास्तव में वो वनवासी हैं, जंगल में रहते हैं, हम शहरों में रहते हैं, वो जंगल में रहते हैं, वो वनवासी हैं, आदिवासी तो हम सब हैं। तो एक गाँव में मैं गया और उनसे मैंने पूछा, भाई इस साल मौसम कैसा है? ये 3 साल पहले की घटना है, इस साल मौसम कैसा है? तो सरपंच ने थोड़ी देर ऐसे देखा एक पेड़ की तरह, 15 मिनट के बाद कहा कि मौसम इस बार सामान्य है। मैं पूछा कैसे? तो उसने कहा, ये पेड़ देख रहे हो ना, इसमें कोयल का घोंसला देख रहा हूं, अगर कोयल का घोंसला पेड़ के ऊपर के हिस्से में है तो समझ लो सूखा पड़ेगा, और बिल्कुल नीचे के हिस्से में है तो समझ लो भयंकर बारिश होगी। इस बार कोयल ने बीचों बीच घोंसला बनाया है तो बारिश सामान्य होगी। मैं चला आया और सच में उसकी भविष्यवाणी साबित हुई, उस साल बारिश सामान्य ही हुई। ऐसे ही एक गांव में गया, आसाम के पास एक गांव में गया व्याख्यान देने के लिए, तो वहां के एक व्यक्ति को पूछा, भाई मौसम कैसा है? तो उसने कहा, राजीव भाई इस बार चींटियां जो है ना ज्यादा भोजन इकट्ठा कर रही हैं, मुझे लगता है बाढ़ आने वाली है, क्योंकि चींटियों का स्वभाव भोजन इकट्ठा करने का नहीं है, मुझे ऐसा लगता है बाढ़ आने वाली है। और उस साल सच में आसाम में बाढ़ आई और लाखों लोग उसमें प्रभावित हुए। हमारे लोगों को इतना हुनर और ज्ञान कि चींटी को देख के बता दें कि बारिश कैसी होगी, पक्षियों के घोंसले देख के बता दें बारिश कैसी होगी, जानवरों के व्यवहार का परिवर्तन देख के बता दें बारिश कैसी होगी, इसका अर्थ एक ही है कि यहाँ मौसम बहुत निश्चित है। और जब हर चीज निश्चित होती है तो सिम्टम्स परफेक्ट होते हैं, उसमें वेरिएशंस नहीं होते। यूरोप में ऐसा कुछ भी निश्चित नहीं है, वेदर तो बिल्कुल निश्चित नहीं, भारत और यूरोप का अंतर अभी शुरू हो रहा है, वेदर बिल्कुल निश्चित नहीं। वाइफ यूरोप में तो वो सोच ही नहीं सकते हैं कि एक पत्नी के साथ कभी एनिवर्सरी मनाने को मिले। हाँ, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, यूरोप में ये जो मैरिज एनिवर्सरी है ना, ये इस बात के लिए है कि आपको बड़ी शुभकामनाएं कि एक के साथ साल भर टिक गए, बड़ी भारी शुभकामनाएं, नहीं तो साल भर भी कोई टिकता नहीं एक के साथ। और यूरोप में अगर आप कुल जनसंख्या को जोड़ेंगे, परिवारों को जोड़ेंगे, तो मुश्किल से 1 या 1.5% लोग हैं जिनकी सिल्वर जुबली हुई है 25 साल, 1-1.5%। गोल्डन जुबली वाला शायद 0.5% भी ना मिले। लेकिन भारत में जैसे वेदर पक्का है ना, वैसे वाइफ भी पक्की। मैं आपको पिछले 15 साल का घूमने का तजुर्बा बताता हूँ। भारत की महिलाएं पुरुषों की तुलना में 200% ज्यादा वफादार होती हैं, पुरुषों की तुलना। पुरुष तो कभी भी भटकता है, कभी कभी उसकी स्थिति कुत्ते से भी बदतर होती है, लेकिन महिलाएं जो है ना पत्नी, वो 200%, 300%, कभी कभी 500% वफादार होती है। मैंने इस देश में हजारों पत्नियों को देखा है, एक दो नहीं, क्योंकि मैं चिकित्सा भी करता हूं होम्योपैथी की, तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिसमें पति विकलांग हो गया शादी के 3रे दिन और पत्नी ने अभी तक उसको छोड़ा नहीं। ऐसे मेरे पास एक दो नहीं, हजारों पेशेंट की लिस्ट है।
ऐसे मेरे पास बहुत लोग हैं जिनको टांग टूट गई, जिंदगी भर के लिए चली गई, टांग कट गई, हाथ कट गया, अंगूठा कट गया, कुछ हो गया, अंग भंग हो गया, पत्नी ने छोड़ा नहीं। और ऐसे मेरे पास बहुत पेशेंट हैं, उनके नाम तो नहीं बसा सकता, कि पुरुषों में पूरी नपुंसकता है, बच्चा पैदा करने में असमर्थ हैं, फिर भी उनकी पत्नी उनको छोड़ती नहीं। तो भारत की वाइफ पत्नी 200%, 500%, 1000% कुछ होता हो, एकदम पक्की, आसानी से नहीं छोड़ती। और इतना ही नहीं है, वो तो कहती है जी 7 जन्म का साथ है, अब तो ऐसे कैसे छूट जाएगा। तो यहां वेदर भी पक्का है, वाइफ भी पक्की है, और वेल्थ भी पक्की है। धन संपत्ति के बारे में हमारे देश में एक बहुत महान बात कही गई है, हमारे देश में ही कही गई है, दूसरे किसी देश में मैंने नहीं ये सुनी ना पढ़ी। वो कहते हैं कि जब धन बढ़ जाए ना तो दोनों हाथ से लुटाओ, माने दान करो तो और बढ़ेगा। विद्या बढ़ जाए, ज्ञान बढ़ जाए, और ज्यादा लुटाओ तो और बढ़ेगा। इसको किसी महान कवि ने कहा कि नाव में बढ़े पानी और घर में बढ़े संपत्ति तो दोनों हाथों से उलीचिए। और हमारे यहां यह पक्की मान्यता है कि जितना दान करो उससे ज्यादा आता है। मेरे बहुत दोस्त हैं इस देश में जो शायद 100-100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करते हैं, और वो हर साल करोड़ों रुपए जाकर दान कर देते हैं तिरुपति बालाजी के मंदिर में, करोड़ों रुपए दान कर। हमारा एक दोस्त है, वो तो 10 किलो सोना दान कर देता हर साल जाकर, बताता नहीं है, कहता ये गुप्त दान है, 10 किलो सोना। मैं पूछा भाई ये क्या है, वो इनकम टैक्स नहीं देता, इनकम टैक्स की चोरी करने के लिए 4 चार्टेड अकाउंटेंट हैं उसके पास, जिनको 35,000-35,000 रुपए की सैलरी देता है, और कहता है एक पैसा भी ना जाए मेरा इनकम टैक्स में, ध्यान रखो। वही आदमी चुपचाप जाता है, 10 किलो सोना दान करके आता है तिरुपति बालाजी। एक दिन मैंने पूछा भाई ये क्या चक्कर है, इनकम टैक्स में तो तुम देते नहीं, तिरुपति बालाजी को करोड़ों रुपए दे देते हो। तो कहता तिरुपति बालाजी मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, आपको नहीं मालूम। मैंने कहा नहीं। तो उसने कहा मैंने कसम खाई है उनके सामने कि जितना धन आएगा उसका 10% तो दान करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो तिरुपति बालाजी और देते हैं और देते हैं और देते हैं, तो मेरा तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आप जानते हैं तिरुपति बालाजी के मंदिर में साल भर के सोने का दान 500 किलो से ऊपर है, साल भर का सोने का। वैष्णो देवी के मंदिर में साल भर के सोने का दान 400 किलो के आसपास आ गया है। और ऐसे भारत में एक दो नहीं 23,000 मंदिर हैं जहां हर साल टनों टन सोना दान में आता है, टनों टन, मीट्रिक टन्स में आता है। कैसे? दान करो, दान करो, दान करो तो धन और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। ये यूरोप में कहीं नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है कहीं। वहां तो दान देना हो तो तब होता है जब सरकार का कोई दबाव हो आपके ऊपर, आम आदमी तो कुछ करता वरता नहीं है। और ये जो दान देने का संस्कार है ये शायद भारत के भूगोल खंड में प्रकृति से आया हो। छोटे छोटे बच्चे भी यहां दान देते हैं। आज का मैं अखबार पढ़ रहा था तो पता चला कई स्कूल के बच्चे बाढ़ प्रभावितों के लिए अपना जेब खर्च इकट्ठा कर रहे हैं और भेजने की तैयारी में है। थोड़े दिन पहले कारगिल युद्ध हुआ था, बच्चों ने हजारों लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे करके भेज दिए कारगिल युद्ध में। तो बच्चों को बचपन से ये संस्कार है, शायद हमारे ये खून में है या हमारे DNA में है। हमारा जेनेटिक मटेरियल ऐसा है जो बिना दान दिए हमको संतोष ही नहीं होता। और शायद ये पूरा देश दान से ही चलता है, सरकार नहीं चलाती इस देश में। सरकार तो जितनी संस्थाएं चलाती हैं सब घाटे में है, और दान से चलने वाली सब संस्थाएं फायदे में। आप देख लो इस देश कहीं भी जो मंदिरों को संस्थाएं चला रही हैं एकदम चाक चौबंद हैं, 24 घंटे भोजन प्रसाद मिलता है। जो मंदिर सरकार के खाते में गया पीने को पानी भी नहीं मिलेगा।
आप जानते हैं कितने गुरुद्वारे हैं जो 24 घंटे लंगर खिलाते हैं इस देश में। इस देश में 23,80,000 से ज्यादा मंदिर हैं कुल भारत में। इन सभी मंदिरों में अधिकांश मंदिर दान से चलते हैं, सरकार किसी मंदिर को नहीं चलाती। हाँ, हमारी निकम्मी और बेईमान सरकार है, मंदिरों में आए हुए दान पर झपट्टा मारने के लिए तो तैयार बैठी रहती है, अपने खजाने से एक पैसा उसमें नहीं देती। ऐसी स्थिति हमारे देश में है। तो यहां वेल्थ का तो चक्कर ही दूसरा। हमारे यहां तो एक बार एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझे सिखा दिया एक ऐसी बात जो 10 साल की पढ़ाई में मुझे कोई नहीं सिखा पाया। इस देश में ऐसे विद्वान लोग हैं जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, किसी कॉलेज में नहीं गए, विद्वता की इतनी ऊंची ऊंची बातें सिखा देते हैं कि हैरान होता है आदमी। मैं भी बहुत हैरान हूं। एक बार आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक 80 साल के बुजुर्ग ने मुझे समझा दिया। मैंने पूछा, दादाजी इतना दान क्यों करते हैं भारत में? तो उन्होंने कहा, देखो बेटा, भारत में धन के 3 ही अंतिम रास्ते हैं। धन के 3 ही अंतिम रास्ते हैं। या तो इसको भोग कर लो, या तो इसको दान कर लो, नहीं तो ये चोरी चला जाएगा। या तो भोग कर लो, या तो दान कर लो, नहीं तो चोरी चला जाएगा। भोग हम कर नहीं सकते क्योंकि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां हृदय कस्य सिद्धनम। ये हमारे जीन में है, खून में है, डीएनए में है। भोग तो कर नहीं सकते, करेंगे तो एड्स से मर जाएंगे और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो भोग तो हम करते नहीं है। और ये मैंने देखा है भारत में जो पुराने करोड़पति हैं ना, नए वालों की बात नहीं करता, पुराने जितने भी करोड़पति हैं एक धोती और एक कुर्ता उसी में जिंदगी काट देते हैं। मैंने घनश्याम दास जी बिरला की जीवनी पढ़ी और उनके बारे में यह सुनकर बहुत आश्चर्य होता है कि 2 या 3 जोड़ी कपड़े में जिंदगी बीत गई और हजारों करोड़ का साम्राज्य उन्होंने स्थापित कर दिया। लेकिन उनकी आधुनिक पीढ़ी बिल्कुल उल्टी है। शायद वो 1 घंटे तो इसमें लगाती है कि कौन सी शर्ट के साथ कौन सा पैंट पहनूं, क्योंकि घर में इतनी शर्ट और इतनी पैंट है कि कॉम्बिनेशन बनाने में घंटों लग जाते हैं। जिस आदमी ने हजारों करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया शून्य में से, वो 2 धोती 2 कुर्ते या 3 धोती 3 कुर्ते में जीवन काट गया। ऐसे में हजारों लोगों को जानता हूं जो करोड़पति हैं, पुराने करोड़पति, वो अंगोछा लपेटे ही जिंदगी बिता दिया। एक बनियान और एक नीचे टॉवल अंगोछा, बस खत्म कहानी। हम मानते हैं कि ज्यादा भोग अपने लिए नहीं है। और भारतीयता में जो सबसे बड़ी मान्यता है ना, वो ये है कि कम से कम अपने ऊपर खर्च करो। क्यों? ये शरीर नश्वर है, इसको लीप पोतने में क्यों लगे हुए? थोड़े दिन में चला जाएगा, कुछ बचेगा नहीं इसमें। तो ज्यादा से ज्यादा दूसरों पे खर्च करो। तो हमारा जो निजी जीवन है ना, प्राइवेट लाइफ, वो बहुत संयमित है, कम खर्चे वाली है। और हमारी जो पब्लिक लाइफ है वो बहुत खर्चीली है, बहुत पैसे वाली है। पब्लिक लाइफ माने हम मंदिर बनाएंगे, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे। मंदिर का प्रतिष्ठा समारोह होगा, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे। दावत होगी, क्या क्या होगा, सब कुछ होगा, करोड़ों रुपए खर्च होंगे। लेकिन हम अपनी जिंदगी में कम से कम खर्च करेंगे। हम शादियां करेंगे बेटे बेटियों की, बहुत खर्चा होगा, लेकिन निजी जिंदगी में कस कसाते हैं 10-10 रुपए खर्च करने के लिए। ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ये डीएनए ऐसा है। और ये डीएनए कोई आज का नहीं है, हजारों साल का है। तो ये शायद भूगोल की स्थिति ऐसी है, इसमें से बना होगा। शायद ईशावास्यम इदम सर्वम जो किसी महान व्यक्ति ने कह दिया वो हमारे रग रग में घुसा होगा। इसलिए तो कहा, जो अंदर होता है वही कहा जाता है, और जो होता ही नहीं है वो निकल नहीं सकता मुंह से। तो हमारी रग रग में होगा। पुराने सब लोगों को मैं देखता हूं, इतना सीधा सादा सरल जीवन और पैसे संपत्ति में करोड़पति। तो हमारे यहां वेल्थ के बारे में इतनी निश्चिंतता है कि इसको दान करो बहुत बढ़ेगा, नहीं करोगे तो चोरी जाएगा, चोरी जाएगा तो अफसोस करोगे।
और वो हमें दिखाई देता है। आज के जमाने में जो कंजूस लोग पैदा हो गए अमेरिका और यूरोप से प्रभावित होकर, ये जो कंजूस है ना, ये भारत के नहीं है, ये सब अमरीकी हैं, यूरोपियन। हाँ, मैं मानता ही नहीं कि जो कंजूस है वो भारतीय है। भारतीय कंजूस हो गया तो भारतीयता चली जाएगी। ये जो अमरीकी असर हम में आ गया, यूरोपियन असर आ गया, हम कंजूस हो गए। तो कंजूस लोगों को मैंने देखा है कि उनका धन सब चोरी ही जाता है, या तो कभी इनकम टैक्स वाले ले जाते हैं, कभी सेल्स टैक्स वाले ले जाते हैं, कभी वैल्यू एडेड टैक्स वाले ले जाते हैं, और वो फड़फड़ाता रहता है, तड़पता रहता है, उसकी आंखों के सामने लूट होती है। मैं उसको कहता हूं, भाई अगर तुमने दान कर लिया होता तो संतोष तो होता। यहां तो चोर उचक्के बेईमान लुच्चे लफंगे जो अधिकारी ले गए तुम्हारा सब, अब कसकते रहो। तो भारतीय तो कंजूस हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भारतीय प्रकृति कंजूस नहीं है। हम कैसे हो जाएंगे? हमने सुना है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, और यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। तो हमारा ब्रह्मांड तो इतना रिच है, इतना धनी है, संपत्तिवान है, हम कंजूस कैसे हो सकते? कितना धनी है हमारा ब्रह्मांड। हम एक बीज डालते हैं उसमें से 100 बीज निकल आते हैं। हम एक आम की गुठली लगाते हैं उसमें से हर साल 1500 आम टूटते हैं, कम से कम 50 साल तक, और जो ठीक देखभाल करें तो 100 साल तक। हम एक बीज बाजरे का डालते हैं, बाली पर 250-300 बीज आ जाते हैं। प्रकृति ने हमको इतना दिया है, ब्रह्मांड में इतना कुछ मिला है, तो हम कंजूस हो नहीं सकते। जैसी प्रकृति वैसे हम। तो ये कंजूसी होना भारत का गुण नहीं है, ये यूरोप से आया है। क्यों? वहां वेल्थ का कुछ पक्का नहीं है। और आप कभी भी यूरोप और अमेरिका में जाए ना, अमेरिका में अब तो ये विशेष दिखाई देता है, किसी भी अमेरिकन आदमी से बात करिए, और अब तो जो हिंदुस्तानी अमेरिका में रहते हैं उनसे भी बात करिए, हर समय दिमाग में एक ही घनचक्कर घूमता रहता है, बैंक बैलेंस। हर समय एक ही कैलकुलेशन, बैंक बैलेंस। आप किसी भी अमेरिकन से 5 मिनट बात कर लीजिए, 5 मिनट में 2 बार पूछ लेगा आपका बैंक बैलेंस कितना। और किसी अमेरिकन लड़की से बात कर रहे हैं तो 5 मिनट में 5 बार पूछ लेगी आपका बैंक बैलेंस कितना। सारी कैलकुलेशन बैंक बैलेंस की। समाज की इज्जत बैंक बैलेंस से, समाज की प्रतिष्ठा बैंक बैलेंस से, समाज का सब कुछ बैंक बैलेंस से। मैं बार बार सोचता हूं कि इनके मन में इतनी चिंता क्यों है पैसे को लेकर, क्योंकि निश्चिंतता नहीं है। मालूम नहीं है कि ये संपत्ति आज है तो कल भी रहेगी। हम हिंदुस्तानी इतने आश्वस्त हैं कि ये आज भी है कल भी रहेगी, जो दान करने की परंपरा अपनाते रहे। तो वेल्थ भी है, वाइफ भी पक्की है, वेदर भी पक्का है। यूरोप में ये तीनों ही चीजें पक्की नहीं है। अब जरा कल्पना करिए, जिस देश में ये तीनों चीजें पक्की नहीं होंगी वहां की व्यवस्था कैसी होगी, और जिस देश में ये तीनों ही चीजें पक्की होंगी वहां की व्यवस्था कैसी होगी, और जिस देश में इतना कड़ा मौसम होगा, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, जो हमेशा ठंडी रहती है, आदमी को भी ठंडा बना देती है। कुछ वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि ज्यादा ठंड में रहने वाले लोगों को कोमलता नहीं रहती मन में और शरीर में भी। इसको ऐसे समझिए कि अगर आपको चारों तरफ बर्फ की सिल्लियों के बीच में बिठा दिया जाए, थोड़े ही समय में आपकी सारी हड्डियां और मांसपेशियां कड़क हो जाएंगी। कभी करके देख लीजिए। तो जो लोग 9-9 महीने चारों तरफ बर्फ से घिरे रहते हैं उनकी हड्डियां और मांसपेशियां सब कड़क रहती हैं, और हड्डियां मांसपेशियां कड़क हैं तो मन पे भी तो कुछ असर पड़ता होगा ना, तो मन भी कड़क है। यूरोप और अमेरिका के लोग ऐसे ही हैं, जैसे ठंडी बर्फ होती है, नकली मुस्कराहट, नकली इज्जत, नकली सम्मान, सब कुछ नकली, एकदम बर्फ जैसा, असलियत उसमें कुछ भी नहीं। कोई मुस्कराएगा भी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये नकली मुस्करा रहा है, अंदर से नहीं मुस्करा रहा। और इज्जत और सम्मान देने का तो प्रश्न ही नहीं है। अब ये जो इलाके में रहने वाले लोग हैं इनका निजी जीवन कैसा है, 2-3 छोटी छोटी बातें बताता हूं।
यूरोप का एक बहुत बड़ा फिलोसोफर, उसका नाम रूसो, रूसो की ऑटोबायोग्राफी मैंने बार बार पढ़ी। वो उसमें लिखता है कि मेरी जिंदगी में 5 बच्चे हुए। इसको ध्यान से सुनना। रूसो माने आज से लगभग 200 साल पहले का व्यक्ति और उस जमाने की व्यवस्था का प्रतिनिधि। तो आज से 200 साल पहले का यूरोप कैसा है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। रूसो कह रहा है कि मेरे 5 बच्चे हुए, उसमें से 4 मैंने लावारिस छोड़ दिए, एक को पाला, एक को ही रखा घर में, 4 को छोड़ दिया। फिर आगे लिखता है कि 4 को छोड़ा कहां, तो कहता है कि जब मेरा पहला बच्चा हुआ तो मैं अपनी पत्नी के पास नहीं था। आप जरा सुनना इसको ध्यान से, मैं मेरी पत्नी के पास नहीं था और मेरी इच्छा नहीं थी कि वो बच्चा पैदा हो, लेकिन मेरी पत्नी ने कर दिया तो मैंने उसको घर के बाहर टोकरी में रख दिया, कुत्ते उसको खा गए, पहला बच्चा। रूसो लिख रहा है कि दूसरा बच्चा जब पैदा हुआ तो मैंने उसको चर्च में छोड़ दिया और अब वो अनाथों की तरह पल रहा है। तीसरा बच्चा हुआ तो किसी फादर को दे दिया बैप्टिज्म करने के लिए। चौथा हुआ, उसको भी घर के बाहर फेंक दिया, भेड़िया खा गया। पांचवा कहता है मैंने मेरे साथ रखा है। और ये बात जब रूसो लिख रहा है, द ग्रेट यूरोपियन फिलोसोफर, तो अंत में वो कहता है कि मैंने जो कुछ किया वो यूरोप की परंपरा के हिसाब से किया, क्योंकि यूरोप में 2500 साल से यही परंपरा चल रही है। क्या परंपरा चल रही है? बच्चों को लावारिस छोड़ना, घर के बाहर। बच्चा पैदा हुआ, घर के बाहर टोकरी में रख दिया, कुत्ता खा जाए, भेड़िया खा जाए, कोई जानवर खा जाए। बच्चा पैदा हुआ, घर के बाहर रख दिया, कोई चर्च के व्यक्ति की निगाह पड़ गई, उठा ले गया, चर्च में दान कर दिया, तो लावारिस की तरह से पलने लगा। बच्चा पैदा हुआ तो बाहर छोड़ दिया। ये चक्कर क्या है? 2500 साल ये परंपरा यूरोप में चली, कारण क्या? बच्चों को लावारिस छोड़ना। तो रूसो कहता है कि बच्चे पति पत्नी के आनंद में बाधक हैं, इसलिए इनको रखना अच्छा नहीं है। पति पत्नी का आनंद माने शारीरिक आनंद, तो शारीरिक आनंद में बच्चे बाधा हैं, इसलिए इनको रखना अच्छा नहीं है। तो वो कहता है कि हमारी परंपरा में और मान्यता में शारीरिक आनंद ही सब कुछ होता है, बाकी दुनिया में कुछ नहीं होता। फिर अंत में वो कहता है कि ये शारीरिक आनंद की जो फिलॉसफी है वो मेरी नहीं है, मेरे गुरु प्लेटो की है। और प्लेटो रिपब्लिक में लिख रहा है कि हर मनुष्य को जीवन का आखिरी उद्देश्य है आनंद की प्राप्ति, और वो आनंद कौन सा? शरीर का। तो शरीर के आनंद की प्राप्ति जीवन का चरम उद्देश्य है। बच्चे अगर उसमें रुकावट हैं तो उनको घर में रखना नहीं है, छोड़ देना है। ये मान्यता और परंपरा यूरोप में 2500 साल चली है, और यूरोप अपने आप को महान कहता है। अब मजे की बात है कि ये जो परंपरा उनके यहाँ 2500 साल चली, बच्चों को लावारिस छोड़ना, तो प्लेटो ने भी अपने बच्चे लावारिस छोड़े, अरस्तु ने भी छोड़े, लेबनिज ने भी छोड़े, देकार्ते ने भी छोड़े। प्लेटो ने तो 4 शादियां की थी, चारों शादियों से जितने बच्चे हुए 12, सबको लावारिस छोड़ा उसने। उन्होंने कहा बच्चा रखना ही नहीं है, ये हमारे तो गलती से आया, हमने नहीं लाया, हम तो कुछ मजा ले रहे थे, एक्सीडेंटल हो गया, अब इसको रखना थोड़ी है, छोड़ दो इसको। तो इन छोड़े हुए बच्चों को संभालने के लिए वहां के राजाओं ने और सरकारों ने कुछ संस्थाएं खड़ी की हैं, जिनको कॉन्वेंट कहा जाता है। अंग्रेजी का एक शब्द है CONVENT, कॉन्वेंट। कॉन्वेंट का माने है लावारिस बच्चों का स्कूल। यूरोप की पुरानी पुस्तकें जब आप पढ़ेंगे ना, तो बहुत सारी कॉन्वेंट संस्थाओं का वर्णन है उसमें, ये कॉन्वेंट, वो कॉन्वेंट, मिशेल कॉन्वेंट, जीसस कॉन्वेंट, मैरी कॉन्वेंट, फलाना कॉन्वेंट, ये सब कॉन्वेंट माने लावारिस बच्चों के स्कूल, क्योंकि बच्चों को माँ बाप पालते ही नहीं, अब उनको तो कहीं ना कहीं रखना है, या मर जाए, जानवर खा जाए तो ठीक ही है, अगर बच गए जानवरों से तो कुछ तो करना है,
तो सरकार उसकी व्यवस्था करती है या राजा व्यवस्था करता है, उस व्यवस्था की संस्था का नाम है कॉन्वेंट। कॉन्वेंट का अर्थ है लावारिस बच्चों का स्कूल, जहाँ पर ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिनके माता पिता का पता नहीं। अब होता क्या है कि कॉन्वेंट में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको माँ बाप तो मालूम नहीं है, लेकिन माँ बाप के बारे में एहसास कराना है तो कॉन्वेंट में पढ़ाने वाले जो अध्यापक होते हैं उनको मदर, फादर, ब्रदर और सिस्टर कहते हैं। कोई टीचर नहीं कहता ये मेरे फादर हैं, ये मेरी मदर है, ये सिस्टर है, ये ब्रदर है, क्योंकि असली नहीं है तो नकली सही काम चला। अब इस गहराई को जरा समझिए कि जिस यूरोप में 2500 साल बच्चों को घर में पाला नहीं जाता, उनको कॉन्वेंट में रखा जाता है, इसलिए वहां मदर, फादर, सिस्टर और ब्रदर होते हैं। अब भारत में, भारत में अंग्रेज आए तो उनके साथ कॉन्वेंट स्कूल भी आए। अब वो गली गली, चौराहे चौराहे खुल गए हैं। यहां तो ऐसी विचित्र स्थिति है, बजरंग बली कॉन्वेंट स्कूल। हाँ दिखाऊं आपको, चलिए मेरे साथ। सरस्वती देवी कॉन्वेंट स्कूल, संतोषी माता कॉन्वेंट स्कूल, भगवान भला करे इन सब लोगों का, महावीर स्वामी कॉन्वेंट स्कूल अभी बंबई में खुल गया, बेंगलोर में खुल गया और जैन लोगों ने खोला, महावीर स्वामी कॉन्वेंट स्कूल। महावीर स्वामी का इस कॉन्वेंट से क्या लेना देना, बजरंग बली का इस कॉन्वेंट से क्या लेना देना है, संतोषी माता का ये कॉन्वेंट से क्या लेना देना है। बिना सोचे बिना अकल हम ये जो करते हैं ना। अब कॉन्वेंट वहां तो इसलिए है कि बच्चे पालते नहीं, तो कोई तो संस्था चाहिए तो उसके लिए कॉन्वेंट है। हमारे हिंदुस्तान में कौन ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को लावारिस छोड़ते हैं, जरा ढूंढिए कोटा में कितने। गलती से अगर किसी बच्चे के माँ बाप का देहांत हो जाए कम उम्र में, तो उसके चाचा चाची, ताऊ ताई, मामा मामी, मौसा मौसी, बुआ फूफा सब तैयार हैं उसको रखने के लिए। यहां तो कोई अनाथ होता नहीं, यहां तो कोई लावारिस होता नहीं। और जिस देश में अनाथ और लावारिस नहीं है वहां कॉन्वेंट स्कूल क्यों है? परिणाम अब जानते हैं क्या हो रहा है। हमारे बच्चे कॉन्वेंट में जाते हैं तो उनको तो अंग्रेजी परंपरा से मदर फादर ही सिखाया जाता है कि देखो ये जो व्यक्ति है ना, ये फादर है, ये मदर है, एक घर में है असली, दूसरा है नकली। और भारतीय परंपरा पता है क्या है? हमारी परंपरा है कि एक बच्चे की दो माताएं तो हो सकती हैं, बाप दो कभी नहीं होते। भगवान कृष्ण की दो माताएं, एक ने जन्म दिया, एक ने लालन पालन किया। भगवान राम ने जिंदगी भर अपनी तीन माताओं को माना, एक तो जन्म देने वाली कौशल्या माता, बाकी केकई और सुमित्रा को भी मां के समान ही माना। इस देश में जितनी आप पुरानी बातें उठाएं, हर जगह दो माताएं तीन माताएं मिल जाएं, बाप किसी के दो नहीं, क्योंकि दो बाप हमारे यहां अच्छे नहीं माने जाते। माताएं हो सकती हैं, बाप अच्छे नहीं माने। एक ढाई मां होती है, एक असली मां होती है, बाप दो नहीं होते। और अंग्रेजी में जिन बच्चों के दो बाप होते हैं उन्हीं को बास्टर्ड कहते हैं। एक अंग्रेजी शब्द सुना है, BASTARD, बास्टर्ड, माने जिस बच्चे के दो या दो से अधिक बाप, वो है बास्टर्ड। तो हमने अपने सब बच्चों को भेज दिया है कॉन्वेंट में बास्टर्ड होने के लिए, और बड़े गर्व से कह रहे हैं देखो मेरा बेटा फलाने कॉन्वेंट में, मेरी बेटी ढिमाके कॉन्वेंट में, मैं बड़ा अच्छा हूं। बास्टर्ड बना रहे हैं अपने बच्चों, अच्छे क्या हैं? अगर सोच समझ के अकल के साथ ये किया होता कि यूरोप में तो कॉन्वेंट इसलिए चलते हैं कि बच्चे लावारिस हैं, यहां तो कोई लावारिस नहीं है, फिर भी हम चला रहे हैं। ये है भारत और यूरोप का खिचड़ी हो जाना। ना तो हम भारतीय रह पाए ना अंग्रेज बन पाए, खिचड़ी हो गए। यूरोप के परिवार में बच्चों को पालने की परंपरा हजारों साल से नहीं है, एक बात। और दूसरी बात एक और जिससे भी ज्यादा गंभीर है कि यूरोप के परिवारों में बच्चे किस बाप के हैं यह पता करना एकदम मुश्किल है।
बहुत मुश्किल है। कारण क्या है? वहां जो शारीरिक संबंध हैं वो इतने खुले हैं, इतने फ्री हैं कि कोई भी किसी के साथ जाए। और जिन समाजों में शारीरिक संबंध बहुत खुले होते हैं, जहां पर शारीरिक संबंधों में लिबरलाइजेशन होता है, वहां पर बाप का पता करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो मां जानती नहीं है, क्योंकि पता नहीं कितनों से संसर्ग वो करती है। और ये ऐसा क्यों होता है? वो ये कहते हैं सेक्स ही जिंदगी का चरम आनंद है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो सेक्स भोगने के लिए एक पति से संतुष्ट होते हो तो ठीक है, नहीं तो दो के पास, तीन के पास, पांच के पास, दस के पास, बीस के पास, पचास के पास, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेक्स संतुष्टि ही जिंदगी का चरम आनंद है, ध्यान रखना। और ये प्लेटो कहता है, अरस्तु कहता है, लिबनित्ज कहता है, दिकार्ते कहता है, रूसो कहता है, सारे फिलोसोफर कहते हैं कि हमारी जिंदगी का चरम आनंद ही ये है, सेक्स में डूबना। तो एक से नहीं मिलेगा तो दूसरा, दूसरे से नहीं मिले तीसरा, तीसरे से नहीं मिले चौथा। इसलिए शारीरिक संबंधों में कोई मर्यादा नहीं है, इसलिए वहां विवाह करना जरूरी नहीं है, इसलिए यूरोप में विवाह नहीं होते। आपको मालूम है आज भी यूरोप में 70% बिना विवाह के लोग रहते हैं। एक अंग्रेजी में आजकल शब्द आया है लिव इन रिलेशनशिप, बहुत चल रहा है, इसका मतलब है बिना विवाह के साथ साथ रहना, दो दिन एक के साथ रहना, तीन दिन दूसरे के साथ, पांच दिन तीसरे के साथ, महीने चौथे के साथ, दो महीने पांचवें के साथ, साल भर में 10-20 बदल दो। ये आज की परंपरा नहीं है, हजारों साल की है। तो विवाह होता नहीं है, बिना विवाह के ही सब होता है, तो विवाह की परंपरा भी नहीं है, मान्यता भी नहीं है, इसलिए विवाह करना कराना वहां कुछ महत्वपूर्ण बात नहीं मानी जाती। अब जहां सेक्स संबंध ही जिंदगी का सारा उत्कर्ष है, चरम है, तो वहां फिर मान्यता क्या है? वहां मान्यता यह है कि स्त्री और पुरुष ऐसे ही हैं जैसे इस्तेमाल करने वाली वस्तुएं। जब तक मजा देती हैं इस्तेमाल करो, जिस दिन नहीं देती हैं फेंक दो, नहीं ले आओ। तो महिला जब तक आनंद दे रही है तब तक रखो, जिस दिन बेकार हो गई घर के बाहर निकालो, दूसरी ले आओ, बाजार में मिलती है। अब परिणाम क्या होता है कि एक साथ बहुत सारी महिलाओं से शारीरिक संबंध रखना, तो पता कैसे चले बाप कौन सा है? अब जहां सेक्स संबंध ही जिंदगी का सारा उत्कर्ष है, चरम है, तो वहां फिर मान्यता क्या है? वहां मान्यता यह है कि स्त्री और पुरुष ऐसे ही हैं जैसे इस्तेमाल करने वाली वस्तुएं। जब तक मजा देती हैं इस्तेमाल करो, जिस दिन नहीं देती हैं फेंक दो, नहीं ले आओ। तो महिला जब तक आनंद दे रही है तब तक रखो, जिस दिन बेकार हो गई घर के बाहर निकालो, दूसरी ले आओ, बाजार में मिलती है। अब परिणाम क्या होता है कि एक साथ बहुत सारी महिलाओं से शारीरिक संबंध रखना, तो पता कैसे चले बाप कौन सा है? बिना शादी के बच्चे होंगे तो पता कैसे चले बाप कौन सा है? तो इसलिए यूरोप में परिवार बनता नहीं है। परिवार तो कुछ निश्चित बिंदु से शुरू होता है ना, परिवार तो ऐसे शुरू होता है, मेरी माँ ने कहा देख ये तेरे पिताजी हैं, बस वहीं से शुरू हुआ। वहां कोई माँ ये कह नहीं सकती कि ये तेरे पिताजी, पता ही नहीं है उसको कौन सा पिताजी है। और ये एक दो साल नहीं रहा है, 2500 साल ये रहा है, और 2500 साल में कम ज्यादा होता रहा, आज भी 2006 में यूरोप में यही चल रहा है। मैक्सिमम लोग लिव इन रिलेशनशिप में हैं, धर्म पत्नी और पति बन के नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, पति पत्नी नहीं, जो हमारी परिभाषा है ना पति पत्नी की, नहीं। तो वहां फिर होता क्या है? वहां फिर होता यह है कि जब इतने सारे लोगों से इतने तरह के संबंध आप रखें, तो सबसे ज्यादा वेनरल डिसीजेस, सेक्स जनित रोग सबसे ज्यादा इसी समाज में, सबसे ज्यादा। और आजकल तो आप सुनते हैं ना बार बार, वफादार रहो, एक ही पत्नी से संपर्क रखो, नहीं तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। यूरोप में ये कहानी 2500 साल से ऐसे ही चल रही है। फिर
बीच बीच में कुछ लोग ऐसे आए यूरोप में जिन्होंने इसको बदलने की कोशिश की, बीच बीच में उनके समाज में ऐसे लोगों ने जन्म लिया, वो कहने लगे कि ये अच्छा नहीं है, गलत है, इसमें कुछ लिमिटेशंस करो, नियम बांधो, परिवार बनाओ, शादियां करो, शादियों के साथ रहो, ऐसे कुछ लोग आते रहे, लेकिन उनको जिंदा नहीं रहने दिया समाज ने। अब मैं कहानी सुनाता हूं। ऐसे ही एक यूरोपियन व्यक्ति थे जो आज से लगभग 1600 साल पहले यूरोप में पैदा हुए, उनका नाम था वैलेंटाइन। और ये कहानी है 478 एडी, एडी माने ईसा की मृत्यु के बाद, आफ्टर डेथ, आज से लगभग 1300-1350 साल पहले की कहानी। एक वैलेंटाइन नाम के महापुरुष ने जन्म लिया जो ये कहता था कि हम जो शारीरिक संबंध रखते हैं कुत्तों की तरह से, जानवरों की तरह से, ये अच्छे नहीं है, इनमें से ये खराबी ये खराबी, तो इनको ठीक करो, एक पति एक पत्नी के साथ रहो, विवाह करके रहो, शारीरिक संबंधों को उसके बाद ही शुरू करो, ऐसी ऐसी वो बातें करते थे। और वो वैलेंटाइन महाशय जो जो नौजवान उनके संपर्क में आते थे उनको यही सिखाते थे, रोज उनका भाषण यही चलता था। संयोग से वो चर्च के पादरी हो गए, तो चर्च में आने वाले हर आदमी को यही बोलते थे कि भाई शादी कर लो तभी संबंध रखो, बिना शादी के संबंध मत रखो। तो कोई कोई उनसे पूछता था कि आपको ये वायरस कहां से घुस गया, ये तो यूरोप में है नहीं कहीं। तो वो कहते थे कि आजकल मैं ईस्टर्न फिलोसफी का अध्ययन कर रहा हूं, उसमें ये समझ में आ रहा है। ईस्ट समझते, ये ईस्ट माने भारत। आज से 1600 साल पहले, 1700 साल पहले का भारत पूरा ईस्ट लगभग वही था। चीन में भारतीय सभ्यता बुद्धिज्म, इंडोनेशिया मलेशिया में भारतीय सभ्यता बुद्धिज्म, जितनी दूर तक नजर जाती है ईस्ट और फार ईस्ट में सब जगह भारत और भारती था। ये बाउंड्री तो अभी बनी। तो वो कह रहे हैं कि मैं आजकल ईस्टर्न फिलोसफी का अध्ययन कर रहा हूं और मुझे लगता है कि वो परफेक्ट है, उसी के लिए मैं चाहता हूं कि आप ये मानो। तो कुछ लोग मानते थे, तो वो वैलेंटाइन पता है क्या करते थे, चर्च में बच्चों की शादियां कराते थे, चर्च में बच्चों की शादियां कराते, और एक दो नहीं उन्होंने सैकड़ों शादियां कराई। जिस समय ये वैलेंटाइन हुए उस समय रोम में एक राजा था, उसका नाम था क्लॉडियस, बड़ा राजा था, सम्राट है, चक्रवर्ती सम्राट। क्लॉडियस ने कहा कि ये जो आदमी है वैलेंटाइन हमारी यूरोप की परंपरा को बिगाड़ रहा है, हम बिना शादी करके रहने वाले लोग, मौज मजे में डूबने वाले लोग, और ये सबको शादियां करवाता फिर रहा है। तो क्लॉडियस ने एक दिन आदेश दिया कि वैलेंटाइन को पकड़ के लाओ। तो गया वैलेंटाइन, वैलेंटाइन को पूछा तुम ये क्या गलत काम कर रहे हो, अधर्म फैला रहे हो, अपसंस्कृति ला रहे हो, हमको ये मंजूर नहीं है, वगैरह वगैरह। तो उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि यही ठीक है। तो क्लॉडियस ने उसकी एक न सुनी और उसको फांसी की सजा का आदेश दे दिया। तो 14 फरवरी सन 498 को वैलेंटाइन को फांसी हो गई। आरोप क्या था कि वो बच्चों की शादियां कराते हैं, इसलिए फांसी हो गई, माने शादी कराना जुर्म है, तो फांसी हो गई। जिस दिन उनको फांसी हुई तो जिन बच्चों ने वैलेंटाइन के कहने पर शादियां की थी उन्होंने वो दिन वैलेंटाइन डे मनाना शुरू कर दिया। अब ये वैलेंटाइन डे की कहानी है। यूरोप में वैलेंटाइन डे होता है क्योंकि वहां शादी नहीं होती और जो कर ले वो वैलेंटाइन डे मनाता है। अब भारत में बिना अकल, बिना सोचे, बिना समझे हमने वैलेंटाइन डे चालू कर दिया। स्कूलों में, कॉलेजों में पागलों की तरह से वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे। और इस धंधे में बड़ी बड़ी कंपनियां लग गई जिनको ग्रीटिंग कार्ड्स बेचने हैं, वैलेंटाइन डे का ग्रीटिंग कार्ड, वैलेंटाइन डे का गिफ्ट, और वैलेंटाइन डे का तो मिठाई, और वैलेंटाइन डे का तो ये, और वैलेंटाइन डे का वो। और टीवी चैनलों ने धुआंधार उसका प्रचार कर दिया। तो गली मोहल्ले छोटे छोटे बच्चे 10-10 12-12 साल के वैलेंटाइन डे में फंसे हुए हैं। हाँ, और ऐसे मूर्ख हैं कि वो जो कार्ड भेजते हैं ना उसमें लिखते हैं वुड यू बी माई वैलेंटाइन। हाँ,
इसका सही मतलब है कि आप मेरे साथ शादी करोगे, और वो एक को नहीं दस दस को भेज देते हैं, बीस बीस को भेज देते हैं, पच्चीस पच्चीस को, वुड यू बी माई वैलेंटाइन। अभी मैं तो एक दिन तंग हो गया, परेशान हो गया। बम्बई में मैं एक सज्जन के घर खाना खाने गया तो उनके घर में एक दादाजी हैं, दादाजी 65 साल के, उनको 25 ग्रीटिंग कार्ड आए हैं लिखा हुआ वुड यू बी माई वैलेंटाइन। लिखने वाले कौन है? 15-20 साल के लड़के लड़कियां, वो दादाजी को वैलेंटाइन बना रहे हैं। मूर्खों को पता नहीं है कि वैलेंटाइन होता क्या है। बिना सोचे बिना समझे ये जो हम लेते हैं ना, ये ऐसा नाश करता है। तो यूरोप की तकलीफ है, वहां शादियां नहीं होती हैं। शादी कराने वाला कोई पैदा हो जाए तो उसको फांसी हो जाती है, इसलिए वो कभी कभी ऐसे लोगों को याद करने के लिए कुछ सेलिब्रेट करते हैं। हम उनकी नकल करें ये बिल्कुल जरूरी नहीं। ऐसा है यूरोप। थोड़ा आगे चलें, बहुत इंटरेस्टिंग बात, यूरोप में जो प्लेटो है ना, उसकी रिपब्लिक पुस्तक में बार बार वो ये कहता है कि जो स्त्री होती है ना, स्त्री उसमें आत्मा नहीं होती। जरा ध्यान से सुनना आप इसको, स्त्री में आत्मा नहीं होती, पुरुष में ही आत्मा होती। तो स्त्री क्या है? तो प्लेटो कहता है कि जैसे मेज है, कुर्सी है, टेबल है, फैन है, वैसे स्त्री वस्तु जैसी है, जब चाहो फेंक दो, जब चाहो उठा लो, उसमें आत्मा नहीं होती। वही प्लेटो अपनी किताब लॉज में लिखता है कि चूंकि स्त्री में आत्मा नहीं होती, इसलिए वो सत्य असत्य का विवेक नहीं कर सकती। क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या करने लायक है, क्या करने लायक नहीं है, तो उसका भेद नहीं कर सकती। इसलिए न्यायाधीश को आवश्यक है कि किसी स्त्री की बात को ना सुने। तो यूरोप में कानून बना कि कोई भी मुकदमे में स्त्री की गवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। यह कानून बना यूरोप में, और यह कानून 1950 तक लागू रहा, आज से मात्र 60 साल पहले तक या 55 साल पहले तक। ये पूरे यूरोप में, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, सब देशों में ये कानून कि स्त्री की गवाही अदालत में स्वीकार नहीं होगी। 1950 में आके इस पे बवाल हुआ, क्योंकि वो कहते हैं ना स्त्री में आत्मा नहीं है, तो स्त्री में आत्मा नहीं है तो फिर यहां से बहुत कुछ शुरू हो जाता है। तो स्त्री संपत्ति की अधिकारी नहीं है, स्त्री फैसले लेने की अधिकारी नहीं है, स्त्री घर में वस्तु के जैसी है, सजावट के लिए रखो, जब खराब लगे तो बदल दो, माने खरीद बेच की वस्तु है, बदलने की वस्तु है। और 1950 तक तो यूरोप की बैंकों में महिलाओं को बैंक अकाउंट खोलने का अधिकार नहीं था। 1950 तक ये जो बैंक ऑफ अमेरिका है ना, एएनजेड, ग्रिंडलेज, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, इन सभी बैंकों में अप टू 1950s कोई महिला का अकाउंट नहीं था, सब पुरुष के अकाउंट। महिला अकाउंट खोल नहीं सकती, ऑपरेट नहीं कर सकती, क्यों? उसको आत्मा नहीं है, तो समझ नहीं है, तो बुद्धि नहीं है, तो सत्य असत्य का विवेक नहीं है, ये उनकी मान्यता। तो न्याय व्यवस्था में, कानून व्यवस्था में, शिक्षा व्यवस्था में, पारिवारिक व्यवस्था में स्त्री हमेशा वहां नीचे नीचे और नीचे रही। और स्त्रियों पर इतने अत्याचार हुए हैं जिसकी आप सुने कहानी तो आपकी आंखों से खून के आंसू निकला। इंग्लैंड में 2500 साल स्त्रियों के लिए एक परंपरा बनी है। वो परंपरा क्या है कि अगर किसी स्त्री को पुरुष ने छोड़ दिया तो वो किसी काम की नहीं है। अब उसको क्या करो, लाठियों से पीट के या तो मार डालो या उसका मर्डर करो, नहीं तो वो विच हो जाएगी। विच समझते हैं? डायन, WITCH, विच माने डायन, नहीं तो वो डायन बनेगी और समाज को खराब करेगी। तो जिस स्त्री को पुरुष ने छोड़ दिया, या तो पत्नी के रूप में या रखेल के रूप में जिसको कैप्ट कहते हैं, या कॉल गर्ल के रूप में या वैश्याओं के रूप में, उन सब स्त्रियों को जलाकर मार डाला। आप सोच सकते हैं, एक दो नहीं, लाखों को। और यूरोप की इतिहास की किताबें भरी पड़ी हैं कितने स्त्रियों को किस देश ने जलाया, किस साल में,
इंग्लैंड में कितनी जलाई गई, स्कॉटलैंड में कितनी जलाई गई, न्यू साउथ वेल्स में कितनी जलाई गई, फ्रांस में कितनी जली, बेल्जियम में कितनी, जर्मनी में कितनी। फिर इन सब स्त्रियों ने इकट्ठा होके एक अभियान शुरू किया और उसका नाम है विमेन्स लिव, विमेन्स लिबरलाइजेशन, स्त्री मुक्ति। फ्रांस में एक बहुत बड़ी लेखिका हुई, उसका नाम था सिमोन द बउआ, बहुत बड़ी लेखिका है, फिलोसोफर है। फ्रांस का एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था जियां पाल सात्र, जो रूसों के समकक्ष माना जाता। तो जियां पाल सात्र की शिष्या थी सिमोन द बउआ, उसने एक अभियान शुरू किया फ्रांस से, जो धीरे धीरे सब यूरोप के देशों में फैला कि स्त्रियों को अधिकार दो, बैंक अकाउंट खोलने का अधिकार दो, संपत्ति का अधिकार दो। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जो देश अपनों को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जनक कहते हैं ना, उन देशों में 1400 साल स्त्रियों को वोट देने का अधिकार नहीं था, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है, वो सत्य असत्य को समझती नहीं। 1400 साल वोट नहीं देने दिया उनको। तो सिमोन द बउआ ने कहा कि इनको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए, इनको बराबरी मिलनी चाहिए, पुरुष के बराबर इनको माना जाना चाहिए। और ये आंदोलन वर्षों वर्षों चला, जिसमें काफ़ी स्त्रियां मारी गईं, उनको पीटा गया, अत्याचार हुए, अंत में जाकर थोड़ा सफल हुआ जब कुछ देशों ने स्त्रियों को वोट अधिकार दिया, कुछ देशों ने बैंक अकाउंट खोलने का अधिकार दिया, कुछ देशों ने उनको आगे आगे पुरुष के बराबर माना, अदालत ने उनको स्वीकार किया कि हाँ ये भी गवाही दे सकती है, वरना तो। और थोड़े दिन तक कुछ देशों में पता है क्या चला, अदालतें क्या करती थी, एक पुरुष की गवाही तीन स्त्री के बराबर, हाँ एक पुरुष की गवाही तीन स्त्री के बराबर। और जो पुरुष ये कह दे कि ये स्त्री बदचलन है, तो उस स्त्री की कोई गवाही स्वीकार नहीं, ऐसी स्थिति। तो परिणाम क्या हुए, इन देशों ने पिछले 50 साल में कानून बनाए, कानून बनाकर स्त्रियों की स्थिति को सुधारने की कोशिश की, और वो सुधरते सुधरते थोड़ी बहुत आई है, लेकिन अभी भी पूरी नहीं आई है। आपको मालूम है अमेरिका में स्त्री राष्ट्रपति नहीं हो सकती, आपको मालूम है ये बात, आज भी नहीं हो सकती। 21वीं शताब्दी में अमेरिका जा रहा है, वहां कोई स्त्री राष्ट्रपति नहीं हो सकती। और अमेरिका का पिछले 200 साल का इतिहास उठा लीजिए, एक भी स्त्री राष्ट्रपति नहीं हुई, आगे भी नहीं होगी। अमेरिका में कितना ही लंपट पुरुष हो, राष्ट्रपति हो सकता, लंपटों का सरदार, चैंपियन ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, गुंडा, बदमाश, चोर, उचक्का, बेईमान, लुच्चा, लफंगा, कोई भी प्रेसिडेंट हो सकता है, लेकिन एक सद्गुणी स्त्री राष्ट्रपति नहीं हो सकती। ये है असलियत यूरोप और अमेरिका। अब हमारे यहां क्या हुआ कि उनके यहां तो यह समस्या थी, हमने उसको नकल किया, और नकल करके क्या कर दिया, हिंदुस्तान में भी स्त्री मुक्ति आंदोलन शुरू हुआ, हां और जोरदार। और वो स्त्री मुक्ति आंदोलन के कुछ नेता हैं इस देश में जिनसे मैं मिल चुका हूं, मैं उनसे पूछता हूं स्त्री मुक्ति क्या है, सिगरेट पीना स्त्री मुक्ति, जैसे पुरुष पीता है ना, हम भी पिएंगे स्त्री मुक्ति, शराब पीना स्त्री मुक्ति, पुरुष के साथ बैठकर शराब पीना स्त्री मुक्ति, पुरुष के साथ बैठकर सिगरेट पीना स्त्री मुक्ति, पुरुष जैसे कपड़े पहनता है वैसे पहनना स्त्री मुक्ति, पुरुष जैसे बाल रखता है वैसे बाल कटवाना स्त्री मुक्ति। हमने ये तमाशा शुरू कर दिया इस देश में, बिना सोचे बिना समझे, मूर्खों के मूर्ख, कूड़ मगज, हम स्त्री मुक्ति में लगे हुए हैं। उनको शराब पिला रहे हैं, सिगरेट पहना रहे हैं, जीन्स पहना रहे हैं, टॉपलेस शर्ट पहना रहे हैं, और अब तो इतनी बुरी हालत हो गई है, कुछ विश्वविद्यालय इस देश में ऐसे हैं जिन्होंने स्त्री मुक्ति के नाम पर आंदोलन चलाया है, ब्रा नहीं पहनना क्योंकि स्त्री मुक्ति, जैसे पुरुष रहता है ना ऐसे रहना स्त्री मुक्ति। मूर्खों के मूर्ख, बिना सोचे बिना समझे ये कर। और बहुत संस्थाएं इस देश में बनी हैं स्त्री मुक्ति आंदोलन चलाने की। वहां स्त्री मुक्ति क्यों है,
यहाँ क्या है, आप जरा बताओ भारत में ऐसा कौन सा राजा हुआ जिसने किसी स्त्री को समाज में वोट डालने का अधिकार रोक दिया? कौन सा ऐसा राजा हुआ जिसने स्त्री को संपत्ति का अधिकार रोक दिया? कौन सा ऐसा राजा हुआ जिसने स्त्री को परिवार में नीचे का दर्जा दिलवाया? कौन से ऐसे शास्त्र हैं इस देश में? यहां तो हम जितने भी शास्त्र पढ़ते हैं ना, हर जगह घुमा फिराकर एक बात आती है जिसका एक ही अर्थ है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्रियों का स्थान ऊंचा होता है ना, वहां देवता भी निवास करते हैं, क्योंकि स्त्रियों में जो गुण हैं वो ईश्वरीय माने जाते हैं। आपको मालूम है भारत में, ये मुझे एक दिन पता चला, अब तक मुझे नहीं मालूम, एक दिन मैं दक्षिण भारत के केरल के एक मंदिर में गया पूजा करने, क्योंकि मैं उस गांव में व्याख्यान देने गया। तो मंदिर के पुजारी ने कहा, माफ कीजिए आप अंदर नहीं जा सकते। वो पुजारी ने एक दिन पहले मेरा व्याख्यान सुना था, मेरे व्याख्यान में किसी ने परिचय दिया था, उस परिचय में ये कहा गया कि ये राजीव दीक्षित अविवाहित हैं, माने इनकी पत्नी नहीं है। तो पंडित ने कहा आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने पूछा क्यों, आप सुनिए उस पंडित की बात। उसने कहा आप में पवित्रता नहीं है। मैंने पूछा वो क्यों, कि आपकी धर्म पत्नी नहीं। मैंने पूछा ये धर्म पत्नी का पवित्रता से क्या लेना देना है? तो उन्होंने कहा कि पवित्रता मनुष्य में धर्म पत्नी के आने के बाद ही आती है, उसके पहले नहीं आती, उसके पहले उसमें लंपटता रहती, पवित्रता नहीं। और इतनी गहरी बात उस पुजारी ने मुझे कह दिया। तो हम गृहस्थी बसाते हैं, परिवार बनाते हैं मोक्ष जाने के लिए, और वो परिवार में स्त्रियों को लाते हैं शारीरिक आनंद की प्राप्ति के लिए। तो वो जब शारीरिक आनंद की प्राप्ति के लिए स्त्री को देखेंगे तो स्त्री उनको कैसी दिखेगी, भोग वस्तु जैसे। और हम जब मोक्ष की प्राप्ति का उसको साधन बनाएंगे तो हमको स्त्री कैसे दिखेगी, देवी के जैसे। इस देश में बहुत सारे पति पत्नियों को मैंने पूछा है कि जिंदगी के कुछ दो चार पांच मिनट को छोड़कर आपको अपनी पत्नी कैसी दिखती है, तो कहते हैं बहन के जैसे, माँ के जैसे, चाची के जैसे, मौसी के जैसे, ताई के जैसे, यही दिखाई देती। यूरोप में कोई कल्पना नहीं कर सकता कि स्त्री ये भी हो सकती है, बहन के जैसी, माँ के जैसी, मौसी के जैसी, ताई के जैसी, चाची के जैसी, है नहीं, क्योंकि वहां तो भोग की वस्तु है, सेक्स ऑब्जेक्ट है। अब वो जो भोग की वस्तु है, सेक्स ऑब्जेक्ट है, तो वहां जितना भी कॉमर्शलाइजेशन हुआ या जितना भी बिजनेस फैला है, उसने स्त्री को सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में ही इस्तेमाल किया। जैसे आप किसी भी विदेशी कंपनी का विज्ञापन अगर देखो तो हर विज्ञापन में स्त्री शरीर का वो भरपूर इस्तेमाल करेंगे, भले विज्ञापन ब्लेड का हो लेकिन चेहरा स्त्री का दिखाएंगे। ब्लेड आप जानते हैं, शेविंग ब्लेड, तो शेविंग ब्लेड तो पुरुषों के इस्तेमाल करने की चीज है, उसमें स्त्री का चेहरा क्यों, क्योंकि आपकी सेंसुअलिटी को हिट करना, आपके लोअर इंस्टिंक्ट को हिट करना। यूरोप की जितनी भी कंपनियां कपड़े बनाती हैं ना शूटिंग शर्टिंग्स के, वो सब महिलाओं के शरीर पर डाल डाल के उनका विज्ञापन कराते। पुरुषों के इस्तेमाल आने वाला अंडरवियर बनियान स्त्री शरीर पर पहनाकर बेचा जाता। और वहां के जितने भी अखबार हैं, जितनी भी पत्रिकाएं हैं, अगर आप उनको ठीक से पढ़ लें तो वहां के अखबार एक दिन का एक किलो का होता है, इतना वजन का होता है, 250-300 पन्ने उस अखबार में हो सकते हैं, 3/4 हिस्सा उस अखबार का भरा रहता है वेश्याओं के विज्ञापन से। भाई आप लोग यार जरा भी समझते नहीं, बाहर चले जाओ ना बात करने के, इतने शांति से सब लोग सुन रहे हैं और आप कचर कचर कर रहे हैं। कोई भी विज्ञापन अखबार का उठा के देखो, यूरोप और अमेरिका में मैगजीन उठाकर देखो, पढ़ो उसको आप, 101% विज्ञापन महिलाओं के वेश्याओं के, मेरा फिगर इतना है, ब्रेस्ट इतना है, लोअर पार्ट इतना है, आप आइए फोन पर संपर्क करिए, यूरोप के अखबार हो या अमेरिका के।
और उनकी हेडलाइंस भी अखबारों की कुछ इसी तरह की होती है, डायना आज स्विमिंग पूल में उसके साथ गई नहाने के लिए, वो नेशनल न्यूज हेडलाइन, हाँ नेशनल न्यूज, डायना मर गई तो हेडलाइन भी मर गई। इस तरह की स्थिति है, अखबार हो, मैगजीन हो, पत्रिकाएं हो, भरी पड़ी है। फिर वहां के जो टेलीविजन चैनल हैं, वो जो सीरियल्स बनाते हैं, वो भी स्त्री को सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में ही रख के काम करते हैं। अब हिंदुस्तान में क्या हुआ, हमने उनके टीवी चैनलों के सीरियल की नकल करनी शुरू कर दी, हमने उनकी मैगजीन की नकल करनी शुरू कर दी, उनके अखबारों की नकल करनी शुरू कर दी, तो इस देश में भी सीरियल बनने लगे, सास भी कभी बहू थी, घर घर की कहानी, तेरी मेरी कहानी, कहीं किसी रोज, पता नहीं क्या क्या नाम, एक ही थीम, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, सभी सीरियल का एक ही थीम, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। हर सीरियल में किसी की पत्नी किसी के पति के साथ भाग गई, किसी का पति किसी दूसरी की पत्नी के साथ भाग गया, कोई पुरुष 3 स्त्रियों को फंसाना चाहता है, कोई स्त्री 10 पुरुषों को फंसाना चाहती है, जो यूरोप और अमेरिका का कचरा है वो हमारे टीवी सीरियलों में घुस गया और ये रोज दिखाया जा रहा है। हम बड़े प्रेम और शांति से देख रहे हैं इस उम्मीद में कि इसमें से कुछ मजा आएगा। मजा क्या आएगा, थोड़े दिन में आपके घर में यही होने लगेगा, ऐसे ही होने लगेगा। क्यों होने लगेगा, इसलिए होने लगेगा कि मैं बचपन की एक कहानी याद है, मुझे माताजी मंदिर लेके जाती थी तो मैं कहता था रोज रोज एक ही मंदिर में आना और वही भगवान का दर्शन करना, इसमें क्या रखा है। तो मेरी माताजी कहती थी कि देख बार बार दर्शन करने से ईश्वर के जो गुण हैं वो अपने अंदर आने लगते, इसलिए एक ही मंदिर में जाना बार बार दर्शन करना बुरा नहीं है। अब ये बात मैं कभी भूलता नहीं। अब हमारे घरों में रोज रोज एक ही तरह के सीरियल का दर्शन हम करते हैं तो उनके भी गुण हम में आने लगेंगे, आने लगेंगे तो तर्क चल जाएगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में क्या खराबी है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका में कोई खराबी नहीं है तो यहां क्या खराबी है। और जब ये चल पड़ेगा तो सब कुछ टूटेगा इस देश में, सब कुछ टूटेगा। यूरोप और अमेरिका में तो परिवार है नहीं तो टूटने के लिए कुछ है नहीं, वो तो पहले से ही टूटा हुआ है, यहां व्यवस्थित परिवार है, ये टूट गया तो सब टूट जाए। और हमारे यहां आज हिंदुस्तान में स्त्रियों के प्रति जो हिंसा बढ़ रही है, बलात्कार के केसेस आ रहे हैं, छेड़खानी की घटनाएं बढ़ रही हैं, इनका बहुत बड़ा असर विदेशी दर्शन से है, यूरोपियन फिलॉसफी से है, जो हर सड़क चलती स्त्री को सेक्स ऑब्जेक्ट मानता है। हमारी आंखों में आ गया, और आंखों में आ गया है तो उतर गया शरीर में। तो हमारे आज की पढ़ाई से निकले हुए जो लड़के लड़कियां हैं ना, ये ऐसे ही देखते हैं एक दूसरे को। मैंने किसी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में रक्षाबंधन मनाए जाते नहीं देखा है, वैलेंटाइन डे सब जगह। अब ये रक्षाबंधन नहीं रहेगा और वैलेंटाइन डे सब जगह आ जाएगा तो वो तो सेक्स ऑब्जेक्ट ही होने वाला है ना। अंतिम परिणाम यही निकलेगा, हर घंटे बलात्कार, हर घंटे छेड़खानी की घटनाएं बढ़ने ही वाली हैं। फिर हम कितने ही कानून बना लें वो रुकेंगे नहीं। यूरोप में कभी भी आप किसी देश में जाएं तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देती है। यूरोप में बड़े बड़े ब्रॉथल्स हैं, ब्रॉथल्स माने वेश्यागर, तो उन ब्रॉथल्स में कुछ दिन पहले तक एक तख्ती लगी होती थी, अब वो तोड़ के उन्होंने हटा दिए, तख्तियां लगी रहती थी। फ्रांस में जाओ तो फ्रेंच में, जर्मनी में तो जर्मन में, डेनमार्क में जाओ तो डेनिश में, नीदरलैंड में जाओ तो डच भाषा में उन तख्तियों पे कुछ लिखा रहता था, जैसे रेड लाइट एरिया होता ना, रेड लाइट एरिया, ये यूरोप का शब्द है, भारतीय शब्द नहीं, रेड लाइट एरिया। तो रेड लाइट एरिया जहां शुरू होता है वहां एक बड़ा बोर्ड लगा रहता है और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है, सावधान, कहीं आप अपनी बेटी के साथ ही संसर्ग करने तो नहीं जा रहे, सावधान, क्योंकि बेटी तो घर में है नहीं, पैदा होते ही छोड़ दिया, वो लावारिस घर में पली है, बड़े होकर किसी ने खरीद लिया उसको, वैश्या बना दिया, अब आपको मालूम नहीं है कि आप जाएं तो आपकी बेटी से ही संसर्ग करना ना पड़ जाए, तो वहां लिखा रहता है। तो फिर इसका व्यवस्था कैसे होती है, तो वहां एक आजकल डॉक्टर बैठने लगे हैं जो ब्लड चेक करते हैं आपका, कि आपका ब्लड ग्रुप देख लो और जिसके साथ सोने जा रहे हो उसका ब्लड ग्रुप मैच कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपकी ही बेटी, आपकी ही बहन,
इतना गिर चुका है, इतना गिरा हुआ यूरोप, जहां के पुरुष अपनी बहनों से बेटियों से संसर्ग करने के लिए वेश्या घरों में जाते हों और वहां से कोई हमको ये बढ़ाने आए कि तुम नालायक हो, हम महान हैं। हमने कभी खोजने की कोशिश नहीं की यूरोप की असलियत क्या है। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो भारत छोड़कर यूरोप में बस गए, अमेरिका में बस। अब वो कभी उनकी बढ़ाई करते हैं यूरोप और अमेरिका की, तो पता है कैसे करते हैं? वो कहते हैं, ओ राजीव भाई कितना अच्छा है अमेरिका। मैं पूछा क्या अच्छा है? अरे यहाँ होटल है यार, 10,000 कमरे का होटल, भारत में हो सकता है? मैंने कहा भाई भारत में होटल की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं होता, हमको धर्मशाला की जरूरत है। तो हमारे यहां हजारों धर्मशालाएं होती हैं, एक एक शहर में 100-100 हो सकती है, उनको होटल की जरूरत है तो वो बनाते हैं। आपको मालूम है होटल की हिस्ट्री क्या है? ये जो बड़े होटल हैं यूरोप में 10,000 कमरे के, 20,000 कमरे के, 25,000 कमरे के, ये क्यों बनाए गए हैं? वास्तविकता ये है, मैंने आपसे कहा ना सेक्स रिलेशंस, कहीं भी किसी के साथ जाओ कोई लिमिटेशन नहीं है। तो कहीं भी किसी के साथ जाओ और कोई लिमिटेशन नहीं है और घर आपके पास नहीं है तो क्या करेंगे? होटल में ही जाना पड़ेगा। यूरोप की 85% पॉपुलेशन के पास अपना घर नहीं है। आपको एक नंगा सत्य बता रहा हूं मैं आपको, यूरोप में 85% नागरिक अपना घर नहीं खरीद पाते, जिंदगी भर बना नहीं पाते। मात्र 5% लोग हैं जिनके पास अपना घर होता है और 15% लोग ऐसे हैं जो किराए के घर में रह सकते हैं और जीवन के अंतिम दिनों में खरीद पाते हैं। बाकी 85% के लिए तो सपना है, वो किराए के घर में पैदा होते हैं, किराए के ही घर में मर जाते हैं। और यूरोप की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो किराए के घर में रहती है वो सभी घर फ्लैट्स कहलाते हैं। फ्लैट में आपको रहना है, किराए के घर में रहना है, तो मालिक जो है वो तो बंगलों में रहेगा और अपने किराएदार को फ्लैट में रखेगा। तो मालिक की मान्यता ये है कि किराएदार तो नीचा है तो उसको उतना स्पेस नहीं मिलना चाहिए जो मुझे मिला है बंगलों में। तो फ्लैट हमेशा छोटे बनाए जाते हैं, बंगलों बड़े बनाए जाते हैं। कोई भी फ्लैट में ओपन स्पेस नहीं होता और बहुत छोटे एरिया में होता है। अब मुश्किल यूरोप की क्या है कि फ्लैट छोटे हैं, रहने वाले उसमें ज्यादा हैं, पर स्क्वायर फीट एरिया में सबसे ज्यादा रहने वाले लोग यूरोप में ही हैं। अगर भारत का पर स्क्वायर फीट एरिया आप निकाले ना, एक स्क्वायर फीट में भारत में इतने लोग रहते हैं तो लंदन में उससे 10 गुना ज्यादा लोग रहते हैं। कारण समझते हैं? यूरोप के पास हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन करने के लिए जमीन ही नहीं है। इतने छोटे छोटे से देश हैं जितना हमारा एक जिला, कोटा और बूंदी को इकट्ठा कर दो तो फ्रांस के बराबर है। हाँ, और कोटा बूंदी बारा और जयपुर को इकट्ठा कर दो तो जर्मनी के बराबर। यूरोप में मैं कभी भी गया तो 2-2.5 घंटे की कार ड्राइव में देश की सीमा खत्म हो जाती है, दूसरे देश में घुस जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। मैक्सिमम 6 घंटे की कार ड्राइव में 2 देश पार करके तीसरे में पहुंच जाते हैं और यहां 6 घंटे में एक जिला पार नहीं होता। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि पर स्क्वायर फिट एरिया में हमारे भारत में सबसे कम लोग हैं और पर स्क्वायर फिट एरिया में वहां सबसे ज्यादा हैं। तो एक फ्लैट में ज्यादा लोग वहां रहते हैं, अब उनको कुछ ऐसे संबंध रखने हैं जिनको आपकी भाषा में इल्लिसिट रिलेशनशिप कहें, अवैधानिक संबंध कहें, तो उनको निभाने के लिए तो होटल ही चाहिए, इसलिए वो होटल बनाते हैं। और 10-10,000 रूम के होटल इसलिए बनाते हैं कि हर फ्राइडे शाम छुट्टी होती है, सैटरडे पूरा छुट्टी, संडे पूरा छुट्टी, तो 3 दिन वो होटलों में पड़े पड़े ही मजा मनाते, घर में कोई नहीं रहता। ये है उनके होटल की हैसियत। तो वो होटल बनाते हैं, तो इसमें क्या बड़ी बात है कि वो 10,000 कमरे का होटल बना लिया, 20,000, वो मजबूरी है उनकी, नहीं बनाएंगे तो समाज पागल हो जाएगा, उनका सीजोफ्रेनिया से मर जाएंगे सबके सब, इसलिए होटल बनाते हैं। हमको जरूरत नहीं है, इसलिए हम तो धर्मशाला बनाते हैं, उनको जरूरत है तो होटल बनाते हैं। तो हम जब उनके साथ अपना कंपेरिजन करते हैं ना, तो थोड़े ध्यान से करें।
कुछ हिंदुस्तानी जो अमेरिका यूरोप में रहने लगे कहने लगे यार क्या बात है अमेरिका की, सड़क के ऊपर सड़क, सड़क के ऊपर सड़क, 7 मंजिली सड़क, 8 मंजिली सड़क, वो उनकी समस्या है क्योंकि जमीन पे सड़क बन नहीं सकती, एक्सपेंशन की गुंजाइश नहीं है, तो एक के ऊपर एक बनानी पड़ती है। उन्होंने कोई वो बहुत बड़ा काम कर लिया है, तीर मार लिया, ऐसा नहीं है। यूरोप की कई मुश्किलें हैं, उन मुश्किलों के लिए वो ये सब करते हैं, उनसे कुछ छुटकारा मिले, निपटारा मिले, इसलिए उनके यहां ये सब होता है। हमारे यहां इस तरह की मुश्किलें नहीं है, इसलिए हमको ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप ध्यान दीजिए, किसी भी सभ्यता में कोई भी चीज आती है तो जरूरत के हिसाब से आती है। हमें किसी चीज की जरूरत है, हम वो करेंगे, नहीं है छोड़ देंगे। जैसे कोई लोग इन कंपैरिजन करते हैं यूरोप और अमेरिका, वो कहते हैं यार उन्होंने जेट हवाई जहाज बना लिया, हमने तो बैलगाड़ी है। अब बैलगाड़ी की जरूरत है इसलिए हम बैलगाड़ी रखते हैं, उनको जेट हवाई जहाज की जरूरत है इसलिए जेट हवाई जहाज है। पता है उनके यहाँ जेट हवाई जहाज क्यों है? उनकी फिलॉसफी है, उनकी फिलॉसफी ये है कि जीवन एक बार ही मिलता है। यूरोप की जो फिलॉसफी है ना, उसमें पुनर्जन्म नहीं, कोई भी पुनर्जन्म नहीं। और आप जानते हैं ना, भारतीयता को छोड़कर दुनिया के किसी भी दर्शन में पुनर्जन्म नहीं, इस्लाम में पुनर्जन्म नहीं है, ईसाइयत में पुनर्जन्म नहीं है, कुरान हदीस में पुनर्जन्म नहीं है, बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट में पुनर्जन्म नहीं है, पुनर्जन्म सिर्फ इस देश में है। और एक बार नहीं, बार बार, बार बार, बार बार, उनके यहाँ एक ही बार है जन्म। तो वो बोलते क्या है वहां के फिलोसोफर कि जन्म एक ही बार मिला है तो जितना मजा करना है यही करो, अगली बार तो मिलेगा नहीं, तो जल्दी जल्दी मजा करो, तो हर चीज जल्दी जल्दी करो, तो जेट हवाई जहाज लाओ, तो ये लाओ, स्पीड बढ़ाते जाओ, क्योंकि जन्म एक ही है। भारत में बार बार जन्म। मैंने एक बार एक किसान को पूछा कि आप तो बैलगाड़ी से चलते हैं, बहुत देर लगती है, तो उनका हाँ लगती है तो क्या। मैंने कहा आपको देर लगती है तो माल देर में आपका पहुंचता है बाजार में, तो उन्होंने कहा तो क्या, तो इससे पैसा कम आता है, तो उसने कहा तो क्या। तो मैंने कहा आपको मजा करने के लिए टीवी फ्रिज घर में नहीं आता क्योंकि पैसा कम है, तो उससे क्या। तो मैंने कहा उसमें बहुत मजा आता है, टीवी देखो, सिनेमा देखो, तो उसने कहा मजा तो मुझे बैलगाड़ी में बैठने में भी आता है। अब तो कहानी खत्म सारी। वो ये कहता है कि जब मैं बैलगाड़ी में चलता हूं तो बैल के गले की जो घंटी है, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण की बंसरी बज रही है, मैं सुनते हुए आराम से जाता हूं, और मुझे कुछ पड़ी नहीं है, जो करना है इस जन्म में बच गया तो अगले जन्म में, उसका बच गया तो अगले जन्म में। बार बार में बैठेंगे, उसके दोस्त, सगे संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, वो हो गए उसके सब मिनिस्टर, और अंत में डाइनिंग टेबल से दूर रहेंगे उसके नौकर चाकर, वो हो गई प्रजा। ये है डेमोक्रेसी। राजा है ना, राजा वो सबसे प्रमुख है क्योंकि डाइनिंग टेबल का सेंट्रल पॉइंट वो है। अब यूरोप में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो डाइनिंग टेबल पर अपने बाप के साथ नहीं बैठ सकते। आपको ये बात पचेगी, हजम होगी कि कोई बेटा अपने बाप के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकता, वो वहां का नियम है। बाप खाना खाएगा अपने दोस्तों के साथ, फिर बच जाएगा तो बेटे खाएंगे, और अंत में बचेगा तो नौकर चाकर, और सबसे अंत में उसकी पत्नी खाएगी। ऐसी है उनकी व्यवस्था, बाप के साथ बच्चे खाना नहीं खाते। कभी कभी साल में एक दो दिन ऐसे आते हैं जब बच्चों को अपने बाप के साथ बैठकर खाने का अधिकार है, और वो दिन है क्रिसमस। उस दिन वो अपने बाप के साथ बैठ के डाइनिंग टेबल पे खाना खा सकते हैं, बाकी किसी दिन भी नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे और माँ दोनों की हैसियत परिवार में नीची है। बच्चों को तो मैंने कहा लावारिस छोड़ना है, और माँ तो माँ है नहीं, वो तो एक रखेल जैसी है, वैश्या जैसी है, इस्तेमाल करना है और छोड़ देना है, तो बच्चे और माँ की हैसियत खराब है। जो भी है वो बाप की है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि बच्चे का पैदा होना या ना होना ये बाप की इच्छा पर निर्भर है यूरोप में, माँ की कोई इच्छा नहीं। उसको जन्म मिलेगा नहीं मिलेगा बाप तय करेगा। और यूरोप में 2500 साल ये परंपरा रही है कि बच्चा पैदा होते ही बाप पहले उठाएगा, जो माँ ने उठा लिया तो उसको फेंकना पड़ेगा, कुत्ते खा जाए, भेड़िया खा जाए।
और माँ बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, यूरोप में नर्स दूध पिलाती, माँ नहीं पिला सकती, तो नर्सों के दूध पर बच्चे पलते हैं वहां। इसलिए यूरोप में नर्सों की मांग सबसे ज्यादा है। आप कभी कभी अखबार में सुनते हैं ना, इंग्लैंड में भारतीय नर्सों की इतनी मांग है, अमेरिका में इतनी मांग है। क्यों? नर्सिंग करना है। नर्सिंग माने बच्चों को दूध पिलाना, माँ नहीं पिलाएगी, नर्स पिलाएगी, ये उनकी मान्यता है। और इस मान्यता से जब आगे बढ़ते हैं, डाइनिंग टेबल पे पत्नी साथ नहीं रहती, बच्चे साथ नहीं रहते और पति खाना खाता अपने दोस्त मित्रों के साथ, तो ऐसी ही उनकी स्टेट है, राज्य की व्यवस्था है। और उसको वो डेमोक्रेसी कहते हैं। ये डेमोक्रेसी वहां 700-800 साल से चल रही है। इसमें क्या होता है, बाप ने जो बोल दिया वो कानून, बाप ने जो बोल दिया वो नियम, राजा ने जो बोल दिया वो कानून, राजा ने जो बोल दिया वो नियम। हमारे यहां क्या होता है, शास्त्रों ने बोला वो कानून, शास्त्रों ने बोला वो नियम, शास्त्र की मानना है, मां बाप की नहीं। और शास्त्र के बाद हम किसी को मानते हैं तो गुरु, गुरु ने जो बोला नियम, गुरु ने बोला वो कानून, उनके यहां नहीं। तो वहां क्या होता है, राजा सब कुछ तय करता है, प्रजा को तय करने का अधिकार नहीं है। राजा जो कुछ तय करेगा प्रजा पालन करेगी, प्रजा उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, ये उनकी मान्यता है। अब इस मान्यता में कानून कैसे हैं, नियम कैसे हैं, व्यवस्थाएं कैसी हैं, यूरोप में जितने बड़े बड़े राजा हुए सब ने अपने अपने कानून बनाए और उनमें काफी झगड़े हुए। वो राजा बदलते थे, कानून बदलता था, राजा बदलता था, कानून बदलता था, राजा बदलता था, कानून बदलता था। अब हमने भी क्या किया, यूरोप की नकल करके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ले आया। यहाँ भी क्या हो रहा है, सरकार बदलती है, कानून बदलते हैं, सरकार बदलती है, कानून बदलते हैं, सरकार बदलती है, कानून बदलते हैं। एक सरकार एक कानून बनाती है, दूसरी कहती है ये बेकार है, इसका बदल दो, दूसरा लाओ। हमारे यहाँ जो धर्म शास्त्रों के आधार पर सनातन सत्य था, जो कानून में माना जाता था, वो सब हट गया। अब CPC, IPC, RPC, CRPC सरकार बदलती रहे, हम उसके हिसाब से चलते रहे। और वहां सरकार कौन चलाता है, राजा। राजा कहाँ से आएगा, जो परंपरा से है, उसका बाप राजा तो बेटा राजा, बेटे का बेटा राजा, बेटे का बेटा राजा। अब भारत में क्या हो रहा है, अम्मा प्रधानमंत्री तो बेटा प्रधानमंत्री, बेटा प्रधानमंत्री तो बेटे का बेटा प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री तो आगे प्रधानमंत्री, हो रहा है कि नहीं। अब हम चिल्लाते हैं कि भारत में भाई भतीजावाद, ये तो आने ही वाला है, क्योंकि यूरोप की नकल की हमने। कानून वहां के कैसे, एक छोटा सा मैं आपको किस्सा सुनाता हूं। ये किस्सा है आज का नहीं, अरिस्टोटल के जमाने का। अरिस्टोटल का एक चेला था, उसके खिलाफ एक मुकदमा आया, मुकदमा आया। चेले का नाम था डेमोस्थनीज, अरिस्टोटल का एक चेला, एक शिष्य, उसका नाम था डेमोस्थनीज। तो उसके खिलाफ एक मुकदमा आया राजा के दरबार में। मुकदमा यह था कि उसने अपने पड़ोसी का धन और संपत्ति लूट लिया, डेमोस्थनीज ने। डेमोस्थनीज ताकतवर था, उसका पड़ोसी कमजोर था। कहानी है रोम की, तो लूट लिया उसने। अब लूट लिया तो राजा के सामने मुकदमा आया। जो उसका पड़ोसी था उसका नाम था एशुनियस। तो राजा के सामने मुकदमा चल रहा है और डेमोस्थनीज कह रहा है कि मैंने एशुनियस का धन संपत्ति लूट लिया है और मैंने ठीक किया है। तो एशुनियस को कहा गया, भाई तुमको क्या कहना है अपने बचाव में। तो एशुनियस कह रहा है, मैं गरीब हूं महाराज, मेरे पास धन पहले से ही बहुत कम है, मेरे बच्चे भूख से पीड़ित हैं, आप मेरा धन वापस दिलवा दो तो मेरा कुछ काम हो जाए। तो डेमोस्थनीस क्या कहता है दरबार में, वो कह रहा है कि मेरी कीमत, डेमोस्थनीस कह रहा है, मेरी कीमत एशुनियस से अधिक है, क्योंकि मैं अरस्तु का चेला हूं, अरस्तु का शिष्य हूं, तो इसलिए मेरी कीमत अधिक है। और मैं महान हूं क्योंकि मेरे पास पैसा है, ध्यान से सुनना, मैं महान हूं क्योंकि मेरे पास पैसा है, और मैं ये कहने के लिए बाध्य हूं कि मेरा जन्म एक अच्छे परिवार में पैदा हुआ है। अच्छा परिवार माने मेरी मां अपने बाप की पत्नी थी, रखेल नहीं थी, कैप्ट नहीं थी, वो पत्नी थी, उससे मेरा जन्म हुआ है, इसलिए मैं और भी ज्यादा महान हूं।
अब मैं महान हूँ, मेरी शिक्षा भी अच्छी हुई है और मैंने कभी जिंदगी में कोई श्रम कार्य नहीं किया है, इसलिए मैं महानता के चरम पर हूं। आपको एक छोटी घटना सुनाता हूं। प्लेटो कहता था कि जो हाथ से श्रम करते हैं वो सबसे घटिया लोग हैं और सबसे ऊंचे लोग वो हैं जो कोई श्रम नहीं करते। भारत में इसका उल्टा है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि बिना मेहनत के जो खाता है वो पाप की कमाई है, इसलिए मेहनत किए कुछ मत खाओ। यूरोप में प्लेटो कहता है मेहनत करो ही मत, बिना मेहनत के खाओ। वो कहता है कि मैं अरस्तु का चेला हूँ, अरस्तु प्लेटो का चेला था और प्लेटो कहता था कि श्रम मत करो, मैंने आज तक कोई श्रम नहीं किया है, इसलिए इस मुकदमे का फैसला मेरे पक्ष में होना चाहिए। तर्क सुनो उसके। और न्यायाधीश ने, जो राजा था, डेमोस्थनीस के पक्ष में फैसला दे दिया। और ऐसे एक दो नहीं, मेरे पास 1500 मुकदमों के डॉक्यूमेंट्स, ये तो एक मैंने सुना है। अब राजा कहता है कि मैंने न्याय किया। क्या किया? एक महान व्यक्ति, समृद्ध व्यक्ति, पैसे से बड़ा, जिसने कभी श्रम कार्य नहीं किया, उसने अपने पड़ोसी की संपत्ति को लूट लिया, तो उसने ठीक किया क्योंकि वो महान है और मैंने उसके पक्ष में फैसला दिया तो अच्छा ही किया। ये है न्याय और इस पर टिका हुआ है प्लेटो का सारा पुस्तक लॉज, LAWS। उससे निकली है उनकी व्यवस्था, जिसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और दूसरे प्रोसीजर कोड कहते हैं। वो सब की सब हमने बिना अकल लगाए ले लिया है। अब कैसे न्याय मिले इस देश में? आप देखो, भारत में जहाँ CPC, CRPC, IPC चलता है ना, वहाँ पैसे वालों को ही न्याय मिलता है। हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने चीफ जस्टिस को एक चिट्ठी लिखी है कि क्या कारण है भारत की आजादी के 50 साल में गरीबों को ही फांसी हो रही है, किसी अमीर को फांसी नहीं हुई, जबकि उन्होंने क्राइम गरीबों से ज्यादा किए। तो चीफ जस्टिस के पास जवाब नहीं है डॉक्टर अब्दुल कलाम के इस पत्र का। मेरे पास जवाब है, क्योंकि हमने कानून और न्याय व्यवस्था अंग्रेजों से ली है, उनसे नकल की है, तो उनके यहाँ न्याय तो पैसे वाले को ही मिलता है, ताकतवर को ही मिलता है, गरीब को न्याय लेने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। तो ऐसी पूरी व्यवस्था उनकी, उसकी हम नकल करके अपने देश में सोचें कि सुख शांति आएगी, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सुख शांति आएगी। तो आप बोलेंगे क्या करना चाहिए? अब मैं अपने व्याख्यान का अंत करने जा रहा हूं। मुझे ये लगता है कि भारत में दो ही काम करने के लिए अब हमारे पास स्थान है। या तो हम यूरोप की ये जो मान्यताएं हैं ना, उनके हिसाब से अपने को बदल लें, या हमारे देश की अपनी मान्यताओं के हिसाब से अपनी व्यवस्थाओं को बदल लें। हमने ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यूरोप की नकल करके लाई है, उसका अंतिम परिणाम है संसद में मां बहन की गाली, जो यूरोप में बहुत सामान्य है सभी संसदों में। तो अगर हम इसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को चलाना चाहते हैं, तो जो दृश्य आपने देखा थोड़े दिन बाद, इससे भी बीभत्स देखने को मिलेगा। तो आप तय कर लीजिए कि यही चलाना है, तो अपने को यूरोप के हिसाब से बदल लीजिए और ये मान लीजिए कि न्याय पैसे वाले को ही मिलेगा, अन्याय हर गरीब को झेलना ही पड़ेगा, सुख सुविधाएं पैसे वालों को ही मिलेंगी, गरीबों को तो दुख और दुख में से ही निकलना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए, और अगर ये मान लिया तो सारा किस्सा खत्म, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जब हमने मान लिया कि गरीब तो गरीब रहेंगे, दुखी रहेंगे, पीड़ित रहेंगे, न्याय मिलेगा नहीं, व्यवस्था में उनका कोई स्थान होगा नहीं, तो बहुत शांति है मन में, कुछ करना ही नहीं। और जो आप ये माने कि भारतीय व्यवस्था के अनुकूल चलाना हो, तो भारत में तो पता है क्या है, भारत में ये है कि आत्मा सभी में है, वो मनुष्य हो या मनुष्येतर। चींटी में भी आत्मा है, मक्खी में भी आत्मा है, मनुष्य में भी है, स्त्री में भी है, पुरुष में भी है। और हमारी मान्यता है आत्मा सबकी समान है, किसी की बड़ी और छोटी नहीं है। जब आत्मा सबकी समान है और सब में आत्मा है, तो हमें हमारी व्यवस्था इस हिसाब से बनानी पड़ेगी जिसमें हर आत्मा को सम्मान मिले और न्याय मिले। उनके यहाँ आत्मा ही नहीं है स्त्री में,
मजदूरों में आत्मा नहीं है तो उनकी व्यवस्था उनके हिसाब से वो बनाएंगे, वो अपनी व्यवस्था बनाएं चलाएं उसमें खुश रहें, हमें उनमें कोई आपत्ति नहीं है। तकलीफ की बात यह है कि उनकी व्यवस्थाओं को हम अपने यहाँ लाएं और नकल करके उसको अपने देश में चलाएं और फिर ये कल्पना करें कि इससे भारत सुखी हो जाएगा, समृद्धशाली हो जाएगा, ये अपने को धोखा देना है। और 60 साल से यही हो रहा है, जो भी सरकार आती है अंग्रेज और यूरोप की व्यवस्थाओं में ही देश को सुधारने की कोशिश करती है, अंत में क्या होता है, कुछ सुधरता नहीं है। 59 साल में इतनी राजनीतिक पार्टियां आई, देश वहीं का वहीं है क्योंकि व्यवस्था बदली नहीं है। तो अब हमें दो ही चीजें करनी है, या तो हमारी व्यवस्था जो अंग्रेजों की बनाई हुई और दी गई है, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून, अंग्रेजों के बनाए हुए नियम आज भी इस देश में चल रहे हैं। आप जानते हैं अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाने के लिए 35,735 कानून बनाए, वो सब के सब चल रहे हैं, छोटे छोटे नियम भी चल रहे हैं, जैसे संडे की छुट्टी यूरोप में होती है क्योंकि चर्च जाना है, हम क्यों करें, हमारे लिए संडे तो मंडे तो ट्यूसडे तो सब बराबर है। यूरोप में रविवार महत्वपूर्ण है क्योंकि वो ईसाइत को मानते हैं, अरब देशों में शुक्रवार महत्वपूर्ण है क्योंकि वो इस्लाम को मानते हैं, यहूदियों में शनिवार महत्वपूर्ण है क्योंकि वो जुडाइज्म को मानते हैं, हमारे लिए रविवार सोमवार शनिवार सब एक जैसे हैं क्योंकि हम सबको मानते हैं। हमारे यहाँ सोमवार किसी का दिन है, मंगल किसी का, बुध किसी का, बृहस्पति किसी की, शुक्र किसी का, शनिवार, उनके यहाँ तो ये है। अब हम उनकी नकल करके चलें कैसे चलेगा, रविवार की छुट्टी तो बंद होनी चाहिए इस देश में, क्यों चलनी चाहिए। फिर उनके यहाँ सूर्य नहीं निकलता तो दफ्तरों में काम देर से शुरू होता था, तो उन्होंने 10-11 बजे का समय तय किया ऑफिस जाने का, हम क्यों करें 10-11 बजे ऑफिस की शुरुआत। हमारे यहाँ तो सूरज सवेरे 4:30 बजे निकल आता है और ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ काम सबसे अच्छा माना जाता है, तो हमारे ऑफिस तो सवेरे चलने चाहिए सूर्य के साथ। किसान जाता है खेत पे काम करने सूर्य के साथ, जो 70 करोड़ किसान सूर्य के साथ काम कर सकते हैं तो 10-12 करोड़ सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं कर सकते, उनको 11 बजे ऑफिस क्यों मिलना चाहिए जाने के लिए। और 11 बजे ऑफिस पहुंचते हैं जब आधा दिन बीत चुका होता है और आधी शक्ति खत्म हो चुकी होती है काम करने की। हमारे यहां बजट आता है फरवरी के अंतिम सप्ताह में 27-28 तारीख को, क्यों, ये तो यूरोप की मान्यता है कि उनका नया वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, जिस दिन वो अप्रैल फूल मनाते हैं क्योंकि लोगों को मूर्ख बनाना है बजट के माध्यम से। हम भी वही दिन से अपना बजट चलाएं, हमारा तो नया साल दिवाली से शुरू हो जाता है तो हमारा बजट तो दिवाली को आना चाहिए। हम उनकी मान्यताओं में फंसे हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जिनका मतलब हमें नहीं मालूम। जनवरी का मतलब कोई बता सकता है क्या मतलब, अगहन पूस महा फागुन चैत्र बैसाख जेठ अठाढ़ का मतलब मैं बता सकता हूं, जनवरी का मुझे नहीं मालूम। हम क्यों जनवरी फरवरी चला रहे हैं। और ऐसे मूर्ख लोग हैं, अक्टूबर, ये जो अक्टूबर शब्द है ना ग्रीक है, ऑक्ट, ऑक्ट से आया, ऑक्ट का मतलब होता है 8। अक्टूबर कौन सा महीना है, 10वां, तो ऑक्ट आया 8 से, महीना है 10वां, क्या मूर्खता कर रहा है। सेप्टेंबर आया सेप्ट से, सेप्ट माने 7, सेप्टेंबर महीना कौन सा है, 9, और बोल रहे हैं 7। नवंबर 9 से आया, 9, महीना 11वां, क्या मूर्खता, कभी सोचा ही नहीं हमने। हमारे अगहन फागुन चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सबका मतलब है, फिक्स है, 1000 साल पहले जो था आज भी वही है, कृष्ण के जमाने में जो था आज भी वही है, राम के समय में जो था आज भी वही है, इतना सनातन है, उसको छोड़कर जनवरी फरवरी में फंसे हुए। और कुछ कुछ तो ऐसी मूर्खताएं हम कर रहे हैं, मदर्स डे मना रहे हैं, मदर्स डे, रोज तो हमारे यहाँ यही होता है। यूरोप में पता है क्या होता है, मैंने आपसे कहा ना माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती, साल में एक ही दिन पिलाती है, वो दिन मदर्स डे, बाकी दिन नर्स दूध पिलाती, तो इसलिए वो मदर्स डे मनाते हैं। हमारे यहाँ तो सभी माँ अपने बच्चों को रोज दूध पिलाती है, हर दिन तो मदर्स डे है। फादर्स डे उस दिन होता है जब बच्चे अपने बाप के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाते हैं, वो फादर्स डे है। यहाँ तो हर दिन बाप बिना बेटे के खाना ही नहीं खा सकता, वो कहेगा गले से उतरता ही नहीं है, बेटा तो चाहिए साथ में खाना खाने,
तो एवरी डे फादर्स डे, एवरी डे मदर्स डे, हम फंस गए उनके चक्कर। वैलेंटाइन डे, जिसका मतलब ही हमें नहीं मालूम। तो मेरा आपसे ये कहना है, और कभी कभी तो इतना मुझे दुख होता है, कोई थोड़े अंग्रेजी पढ़े लिखे घरों में चला जाता हूँ, जो बहुत पूरी अंग्रेजी नहीं जानते, पूरी हिंदी भी नहीं जानते, वो बहुत सत्यानाश कर अधकचरे लोग। वो क्या कहते हो, राजीव दीक्षित, शी इज माई मिसिस। तो मैं पूछता हूं, रियली शी इज योर मिसिस? क्योंकि प्लेटो ने मिसिस शब्द दिया है वैश्याओं के लिए, रखेल को मिसिस कहते हैं। आपने सुना है यूरोप में सो एन सो मिसिस, सो एन सो मिसिस, मिसिस पांडे, मिसिस शर्मा, मिसिस ये, माने उसकी रखेल, पांडे की रखेल मिसिस पांडे सब, शर्मा की रखेल मिसिस शर्मा। हम अपनी धर्म पत्नी को मिसिस बनाने में लग गए, बिना सोचे समझे, बिना अकल के, शी इज माई मिसिस। तब मैं पूछता हूं, रियली? तब वो थोड़े बौखला है। और धर्म पत्नियों ने पति को मिस्टर बना दिया, मिस्टर माने उसका उल्टा, और मिस तो बहुत ही खराब शब्द, मिस माने एक ऐसी वैश्या जो कई पुरुषों के साथ सोए, मिसेस तो किसी एक की ही रहती है, मिस तो किसी की भी होती है। हमने अपनी बेटियों के नाम के आगे बड़े गर्व से मिस आकृति, मिस फलाना, मिस धमाका लगा दी। पहले शब्दों को जाने, फिर उनका उपयोग। मम्मी शब्द है यूरोप में, मम्मी माने डेड बॉडी, मरा हुआ शरीर। हमने बच्चों को जिल्ला चिल्ला के मम्मी बोल सिखा दिया। पप्पा, जिसका कोई मतलब ही नहीं है अंग्रेजी, पापा शब्द का कोई अर्थ नहीं, मम्मी का तो है भी कि डेड बॉडी, पापा का तो वो भी नहीं, बुलवा रहे हैं पापा पापा पापा। और अंकल आंटी तो बहुत ही खतरनाक। अंकल पता है क्या होते हैं, जैसे कोई बाप है, उसके भाई हैं जो उसके बाप की दूसरी रखेलों से पैदा हुए हैं, वो सब अंकल है, और आंटी उसका फीमेल पार्ट है। हम किसी को भी अंकल और आंटी बोल देते हैं बिना सोचे समझे, और सामने वाला स्वीकार भी कर लेता, उसको मालूम नहीं है कितनी बड़ी गाली दे रहा है। पहले अंग्रेजी और अंग्रेजियत और सभ्यता के बारे में पूरा जाने, फिर समझ बूझ कर उपयोग करें तो अच्छा है। कभी कभी मुझे इतना खराब लगता है, किसी के घर में जाता हूं, पिताजी का नाम रामदयाल, माताजी गायत्री देवी, बेटे का नाम टिंकू, पिंकू, डब्लू, बबलू, पूछो क्या नाम है, मतलब क्या है टिंकू का? टिंकू का अर्थ होता है आवारा लड़का, जो बाप की ना सुने माँ की ना सुने, वो है टिंकू। और ज्यादातर बच्चे वहां टिंकू ही होते हैं यूरोप में। हमारा बेचारा सीधा साधा आज्ञाकारी, उसको टिंकू टिंकू बोल बोल के उसका कचरा निकाल। तो मेरी आपको हाथ जोड़कर विनती है कि भाषा के स्तर पर, भूषा के स्तर पर, भोजन के स्तर पर, भजन के स्तर पर और भेषज के स्तर पर ये यूरोप की नकल मत करिए, और अगर करनी ही है तो पूरी करिए, अधूरी मत करें। या तो पूरे यूरोपीय हो जाइए, अंग्रेज हो जाइए, और नहीं तो भारतीय हो जाइए, बीच में मत रहिए, खिचड़ी की तरह से त्रिशंकु मत बने। उन्होंने अपनी भूषा बनाई है, पैंट है, शर्ट है, कोट है, क्योंकि उनका वातावरण ठंडा है, मैंने आपको बोला ना, बहुत ठंडा वातावरण, इसलिए उनको पैंट चाहिए, शर्ट चाहिए, शर्ट के ऊपर टाई चाहिए, टाई के ऊपर कोट चाहिए, कोट के ऊपर ओवरकोट चाहिए, क्योंकि ठंड बहुत है, हमको नहीं चाहिए ये सब। अब हम भरी जून की गर्मी में 50 डिग्री सेंटीग्रेड में टाई कोट लगा के घूमें और घोड़े पर चढ़कर शादी करवाने जाएं, तो हमसे बड़ा सुपर इडियट कौन? और शादी जिस पत्नी से करें वो साड़ी में, और हम थ्री पीस सूट और टाई में। हमारे यहां बोलते हैं पति पत्नी दो पहिए हैं गृहस्थी की गाड़ी के, एक पहिया ट्रैक्टर, दूसरा साइकिल, कैसे चलेगी गृहस्थी? या तो पत्नी को भी बोलो कि स्कर्ट में आए तो आपका थ्री पीस सूट और टाई जमेगा, क्योंकि यूरोप में पत्नी स्कर्ट पहनती है तो पति थ्री पीस सूट और टाई पहनता है। यहां अगर पत्नी साड़ी पहन रही है तो आपको तो धोती कुर्ता वही ठीक है।
और आप बोलेंगे जी धोती में क्या है, धोती दुनिया का ऐसा वस्त्र है जो बिना सिला हुआ है, और बिना सिले हुए वस्त्र में आप चाहें वो डिजाइन बना सकते हैं। हिंदुस्तान में धोती से 1000 से ज्यादा डिजाइन बन सकती है, और आप भारत के किसी भी इलाके में चले जाइए, धोती पहने हुए महिलाओं को देखकर बता सकते हैं कि ये किस राज्य की। बंगाल की महिला की धोती, आसाम की महिला की धोती, महाराष्ट्र की महिला की धोती, आंध्रा की महिला की धोती, सब राज्यों की महिलाएं खाली धोती ही पहन के खड़ी हों तो मैं बता दूंगा ये किस राज्य की है, और वो सत्य निकलेगा। पैंट पहने हुए किसी आदमी को पहचानना मुश्किल है ये किस राज्य का, क्योंकि भारत में कोई राज्य नहीं है जहां से पैंट निकली हो, वो तो यूरोप से आई है। स्कर्ट पहने हुए कोई महिला का पता नहीं। धोती इसलिए हम पहनते हैं कि उससे डिजाइन जैसी चाहे वैसी बनाएं, पगड़ी इसलिए पहनते हैं कि जैसी चाहे डिजाइन बनाएं। धोती और पगड़ी में बहुत बड़ा सौंदर्य बोध है, पगड़ी देखकर आप पहचान सकते हैं कि ये आदमी किस इलाके का है, मारवाड़ी है कि मेवाड़ी, हड़ौती का है कि कहाँ का, पगड़ी देख के, धोती देख के, क्योंकि दोनों ही बिना सिले हुए हैं। भारत में बिना सिले हुए वस्त्र पहनने की बहुत बड़ी परंपरा है। आप जानते हैं जितने बड़े धर्म यज्ञ होते हैं वहाँ आप बिना सिले वस्त्र पहनकर ही बैठ सकते हैं, क्योंकि पवित्रता उसी में है। ये सिले हुए वस्त्र तो यूरोप की नकल है। तो मेरी आपसे विनती है कि आप अपने जीवन में थोड़ा भारतीय बनिए, कोशिश करिए। आज हम नहीं हैं लेकिन कोशिश करें तो 2 साल में हो जाए, 5 साल में हो जाए, ज़्यादा कोशिश करें तो हमारी आगने वाली जनरेशन तो हो ही सकती है। हम शायद नहीं भी हो पाए, अगली जनरेशन को तो बना ही सकते हैं। बस उनको ये समझ दीजिए कि भारत क्या है, यूरोप क्या है, उनकी मान्यता क्या है, उनकी परंपरा क्या है, उनकी वेशभूषा क्या है, हमारी क्या है, उनका भोजन क्या है, हमारा भोजन क्या है। वो पिज़्ज़ा बर्गर क्यों खाते हैं, क्योंकि और कुछ खाने को है नहीं। यूरोप में 3-4 ही अन्न पैदा होते हैं और उससे 3-4 ही डिश बन सकती है, इसलिए ले दे के उनके पास पिज़्ज़ा और बर्गर है। भारत में 1400 वस्तुओं का उत्पादन जमीन से होता है, यहाँ अलग अलग डिशेज हैं। मैं जिस दिन पैदा हुआ और जिस दिन मरूंगा हर दिन नई डिश खा सकता हूँ, इस देश में इतनी ताकत है, वहाँ है ही नहीं। और हम घरों में जो कुछ भी बनाते हैं वो हमारे स्वास्थ्य और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जितने भी अचार हिंदुस्तान में पड़ते हैं बिना मेथी दाने के कोई अचार नहीं है, क्योंकि मेथी की हर समय जरूरत है, क्योंकि हम समशीतोष्ण जलवायु में रहते हैं और मेथी ही है जो समशीतोष्ण जलवायु में वात पित्त कफ तीनों को संतुलित रख सकती है और कुछ नहीं। इसलिए हर अचार में मेथी, हर लड्डू में मेथी, हर सब्जी में मेथी, जहाँ लगे वहीं मेथी, क्योंकि जरूरत है। अब कोई बाहर से आए और हमसे कहे कि तुम तो पागल हो, मूर्ख हो, ये हर अचार में मेथी डाल दिया, हमारे जैसा देखो हम तो सॉस खाते हैं, क्योंकि सॉस उनकी मजबूरी है, इसके आगे वो बना ही नहीं सकते कुछ। कच्चा माल एक टमाटर है और थोड़ी शुगर बना लेते हैं, चौथी कोई चीज है नहीं, तीसरी कोई चीज है नहीं, तो सॉस ही बनेगा, उससे और क्या बनेगा। तो उनकी जो मजबूरियां हैं उनको अपनी विशेषता मत बनाइए, और हमारी जो विशेषताएं हैं उनको कमजोरियां मत साबित करिए, तब हम जाकर इस भारत को सुजलाम सुफलाम देख पाएंगे। और ये साल कोई विशेष साल है, भारत में वंदे मातरम गान का ये 100वां साल है, भारत के स्वदेशी आंदोलन का ये 100वां साल है। आपको मालूम है सन 1906 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक ने उसकी नींव रखी, बाद में गांधी जी तो उसमें जुड़ गए, नींव तो लोकमान्य तिलक ने रखी थी। 5 नवंबर 1906 को पुणे शहर में लोकमान्य तिलक ने विदेशी कपड़ों में आग लगाकर स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था, और उस दिन ये वंदे मातरम पूरा गाया गया था। तब से ये दोनों कहानी एक साथ जुड़ गई। तो वंदे मातरम का 100वां वर्ष है, स्वदेशी आंदोलन का 100वां वर्ष है, तो इस 100वें वर्ष में कुछ तो करें अपने जीवन में, थोड़े तो स्वदेशी बने, भारतीयता के नजदीक चले। तो आप बोलेंगे हम क्या कर सकते हैं, इतना ही करिए कि जितना बने अपने जीवन में भारतीयता लाइए। तो कितने स्तर पर, 5, ज्यादा नहीं कहता मैं, आपके भोजन में संपूर्ण भारतीयता लाइए, माने पिज्जा बर्गर हॉट डॉग कोल्ड डॉग चाउमीन टॉफी चॉकलेट बिस्किट पाव रोटी डबल रोटी, इनको थोड़ा बाहर करिए और अपने देश की चीज़ें अंदर लाइए। हमको पिज़्ज़ा बर्गर की ज़रूरत नहीं, अपने पास इडली है सांभर है रसम है उत्तपम है डोसा है
पूरी है, कचौरी है, सब्जी है, खीर है, पापड़ है, खाखरा है, बीसियों किस्म के खाखरे हैं, फाफड़ा है, पता नहीं क्या क्या है। हमको ये सब नहीं चाहिए। अपना भोजन और अपनी भूषा, बन पड़े उतनी भारतीय भूषा जितना संभव हो। फिर तीसरा अपना भजन, माने अपना गान, अपना संगीत। ये पॉप म्यूजिक, रॉक म्यूजिक, इसमें मत फंसिए, क्योंकि उसमें म्यूजिक जैसा कुछ है नहीं। ना कर्ण प्रिय है, ना शरीर के लिए अच्छा है। तो भारतीय संगीत, भारतीय भजन, इसमें जाइए, आनंद भी मिलेगा, मोक्ष प्राप्ति भी होगी। यहां तो सब कलाएं मोक्ष प्राप्ति का साधन है। फिर उसके बाद भारतीय भजन के बाद भारतीय भेषज, माने औषधि, जितनी बने भारत की औषधि खाइए। अब तो आपको मालूम है यूरोप के बड़े बड़े डॉक्टर कह रहे हैं कि एलोपैथी में कोई औषधि नहीं है, आप खाओ सब जहर है, ताकत आपकी है कि पचा लो तो जिंदा, नहीं तो मर जाओ। आपने देखा आजकल अमेरिका का एक बहुत बड़ा डॉक्टर है डीन ओर्निश, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि एलोपैथी में कोई मेडिसिन नहीं है, सब जहर है, तुम्हारी ताकत कितनी है जहर को पचाने की तुम तय कर लो। और ये जो एलोपैथी के हम गुणगान गाते हैं ना, आपको मालूम है ये शुरू कैसे हुई है? ये ज्यादा पुरानी नहीं है, 200-250 साल पहले की एक पुरानी कहानी सुना देता हूं कैसे डॉक्टर होते थे। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए, उनका एलोपैथी में परम विश्वास था। उनका एक बहुत अच्छा डॉक्टर था MD, तो एक दिन उनको बुखार आ गया। तो एलोपैथी का जो जनक माना जाता है ना, वो एक हिप्पोक्रेट्स नाम का व्यक्ति है। अब हिप्पोक्रेट का मतलब क्या होता है वो आप सब जानते हैं। तो हिप्पोक्रेटिस करके एक व्यक्ति हुआ, उसने एलोपैथी को जन्म दिया ऐसा कहते हैं। तो वो क्या कहता था कि कोई भी बीमारी आए तो रक्त के प्रदूषण से आती है, तो बीमारी जैसे ही आए तो गंदा खून शरीर में से निकालो। तो वो जो जॉर्ज वॉशिंगटन का MD डॉक्टर था, उसने यही फिलोसफी अपना दिया अपने राष्ट्रपति पर। उनको बुखार आ गया तो जॉर्ज वॉशिंगटन के अंदर गंदा खून है, इसको बाहर निकालो। तो उनकी नसें काट दी उसने ब्लेड से, यहाँ की नस काट दी, खून निकलना शुरू हुआ, भल 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 24 घंटे में इतना खून निकल गया कि जॉर्ज वॉशिंगटन मर गया। ये है एलोपैथी, जिसके पीछे आप आंख बंद करके अंधों की तरह से भाग रहे। जरा रुकिए, ठहरिए, देखिए कि उसमें कितना वैज्ञानिक सत्य है, तथ्य है, और कितना उसमें बकवास है। यूरोप की तो मजबूरी है कि वो एलोपैथी के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास कुछ ऑल्टरनेट ही नहीं है, तो उनको करने दीजिए। आपके पास क्या कमी है बताइए ना। आयुर्वेद इतना बड़ा शास्त्र है जिसके दो हिस्से हैं, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव, आपको तो जरूरत ही नहीं है। आयुर्वेद दुनिया में अकेला चिकित्सा शास्त्र है जो ये कहता है कि बीमारी मत पड़ो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। और उसके लिए उसने नियम बनाए हैं, छोटे छोटे नियम है आयुर्वेद में, उनका पालन आप करो। जैसे भोजन के एक घंटे बाद पानी पियो, सबसे पहला नियम। पानी घूट घूट भर के पियो, एक साथ मत पियो, ठंडा पानी कभी मत पियो। सवेरे उठो तो सबसे पहले पानी पियो, फिर उसके बाद खाना खाना है तो बैठ के खाओ, खड़े होके मत खाओ। और रात्रि में विश्राम करना है तो पूर्व की दिशा में सिर करके सोओ, कभी मजबूरी हो तो दक्षिण की दिशा में सिर कर लो। ऐसे 2000 नियम हैं आयुर्वेद, कोई भी पालन करे तो जिंदगी भर स्वस्थ रहे। मैंने इनमें से कुछ नियमों का पालन अपने जिंदगी में किया है, और पिछले 18 साल से मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, एक इंजेक्शन भी नहीं लगाया, आधी गोली भी नहीं खाई। हर साल 1,00,000 किलोमीटर का प्रवास करूं तो भी पीठ में दर्द नहीं होता। हर 10 दिन पर मेरा खाना बदलता है। अभी मैं राजस्थान में हूं, 10 दिन बाद कर्नाटक में रहूंगा। कर्नाटक राजस्थान के खाने में बहुत अंतर है। बस आयुर्वेद के नियम का पालन करता हूं तो पेट में भी कोई तकलीफ नहीं। ये मैं कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं, बस ध्यान देना है। फिर आप कहेंगे जी हमको तो पता ही नहीं है ये नियम कैसे हैं, कहां लिखे हुए हैं। आयुर्वेद की एक पुस्तक आप सब पढ़िए जरूर, उसका नाम है अष्टांग हृदय। कई कई प्रकाशकों ने उसका नाम बदल दिया है, अष्टांग संग्रह कर दिया, दोनों एक ही है। वो जरूर पढ़िए, उसमें 2000 से ज्यादा सूत्र हैं। मैंने उसको 100 बार पढ़ा और मुझे लगता है उससे अच्छी दुनिया में कोई पुस्तक नहीं, जो आपको स्वस्थ तो रखती ही है, मोक्ष जाने का रास्ता बता दे कि मोक्ष कैसे होगा। वो आप ले लो, बाजार में मिलती है।
अब कोई लोग कहते हैं इतनी मोटी पुस्तक है, पेज बहुत हैं, संस्कृत में है, कठिन संस्कृत में कैसे पढ़ें। तो आप ऐसा करो कि हमने उस पुस्तक को आधार बना के छोटी छोटी कुछ पुस्तकें बनाई, 100 पन्ने की, 50 पन्ने की, 150 पन्ने की। वो नीचे आप जाएंगे तो नीचे रखी हुई हैं स्टॉल पे, आप वो ले जाओ। 5-6 किताबें हैं चिकित्सा विषय पर, वो सब अष्टांग हृदय के आधार पर हैं। उनको अगर आप पालन कर लो तो मैं बोलता हूँ कि 90% बीमारियों में आपको चिकित्सा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर की आवश्यकता नहीं। 10% बीमारियों को छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो आपकी गलती से नहीं, दूसरे की गलती से आती। जैसे आप गाड़ी से जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, अब इसमें आपकी कोई मजबूरी नहीं है, हो गया तो अब वहाँ आपको थोड़ी सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो 10% घटनाओं को छोड़कर 90% बीमारियों में ना डॉक्टर की ज़रूरत है, ना दवाओं की ज़रूरत है, ना हॉस्पिटल की ज़रूरत है। आप अपने घर में ही ये कर सकते हैं। आयुर्वेद की ज़रूर ज़रूरत है, और आयुर्वेद हमारे जीवन का शास्त्र है, चिकित्सा का शास्त्र नहीं, जीवन का शास्त्र है। जीवन कैसे जीना, भारत में रहते हुए इस भूगोल खंड में जहाँ की जलवायु समशीतोष्ण है, जहाँ 16 तरह के क्लाइमेट जोन्स हैं, ऐसे स्थान पे कैसे जिंदगी जीना, ये आयुर्वेद में है। अगर आप चाहें तो अध्ययन करिए, संस्कृत में करें तो बहुत अच्छा, सरल हिंदी में करना चाहें तो नीचे हमारे प्रकाशन की किताबें हैं, आप ले जाइए। किसी भी पुस्तक पर हमारा कॉपीराइट नहीं, सबको कॉपी करने का राइट है, क्योंकि हम भारतीयता में मानते हैं जिसमें ज्ञान किसी की संपत्ति नहीं, सबके लिए, मेरे लिए थोड़ी है, मैंने कहीं से लिया, आपको दिया, आप किसी और को दे दो। ज्ञान को तो बांटने की परंपरा, हम तो जितना ज्ञान बांटें उतना बढ़ता है, जितना दान दें उतना बढ़ता है। यूरोप में तकलीफ है कि हर ज्ञान को पेटेंट करके रखो, दूसरे को छूने मत दो। तो वो पुस्तकें पढ़ सकते हैं, ऐसी इन विषयों पे छोटी छोटी CD बनाई है वो सुन सकते हैं, दूसरों को सुना सकते हैं। थोड़ा इसका प्रचार करिए, भारत और भारतीयता का, तो अगले 2-3 वर्ष में शायद ये देश बदले। आप नहीं बदलें तो आपकी पीढ़ी जरूर बदल जाए जो आने वाली है, तो शायद एक नया भारत हम देखें, जो भारत हो, भारतीयता से युक्त हो, जिसमें इंडिया ना हो और जिसमें अंग्रेजियत ना। तो ऐसा भारत बने, ये मेरी अभीष्ट, मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो, इसी के लिए ये सारा अभियान है। और इस अभियान को थोड़ी तेज गति देने के लिए बहुत जल्दी हम TV चैनल पर ये सब शुरू करने जा रहे हैं। जितना मैंने आपको सुनाया आज, ये मेरे कुल अध्ययन का 2% है। इस विषय पर मैं 40 दिन कथा कह सकता हूँ, रोज 3 घंटे, यूरोप के बारे में और भारत के बारे में। लेकिन आपके पास उतना समय नहीं, मेरे पास भी नहीं है, तो हम जितना आज समझ पाए, सुन पाए, इसी पर चिंतन मनन करें और इसको थोड़ा आगे समझने की और कोशिश करते रहें। अपने को समझ लें और उनको समझ लें तो क्या रखना है, क्या छोड़ना है, ये तय हो जाएगा। और जिस दिन ये तय हो जाएगा, उस दिन भारत भारत हो जाएगा। ऐसी आप माने प्रार्थना ईश्वर से मैं करता हूँ और आप सबको शुभकामना देता हूँ। वंदे मातरम के शताब्दी वर्ष में, स्वदेशी आंदोलन के शताब्दी वर्ष में ऐसा हम जरूर करें और ईश्वर हमको इसके लिए प्रेरणा दे। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।
दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।